के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112-356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 0112-209-01701 पर। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है राजी। तो दोस्तों, ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी राजी फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राजी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, बताएंगे इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, साथ ही साथ इस फिल्म को में कितने पैसे खर्च हुए थे और इस फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कहानी को पूरा एनालिसिस करेंगे, कहानी के बारे में हम बतलाएंगे और फिल्म से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को भी बतलाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी के आज की मूवी रिव्यू को हमें स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं राजीव फिल्म के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों, बात कर ली मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो फिल्म को 11 मई 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिली थी। दोस्तों, वहीं पर बात कर ले राजीव मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म को बनाने में 40 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और वहीं पर बात कर ली इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने 207 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये फिल्म साल 2018 की सबसे अधिक कमाई करने वाली 10वीं फिल्म बन गई थी। दोस्तों, बात कर ले फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो राजीव फिल्म में आलिया भट्ट के साथ विक्की कौशल इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे और वहीं पे बात कर ले फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, तो मेघना गुलजार ने फिल्म को डायरेक्ट किया और फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की कहानी मेघना गुलजार ने ही लिखी और वहीं पर बात कर ले फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को विनीत जैन एंड करण जौहर, अपूर्वा मेहता, हीरो यश जौहर ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किया था। और बात कर ले फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में, तो जंगली पिक्चर के बनक एंड धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तहत इस फिल्म को बनाया गया था और ये मूवी 11 मार्च 2018 को रिलीज हुई। और वहीं पे बात कर ले इस मूवी की रनिंग टाइम के बारे में, तो ये फिल्म 140 मिनट की बनाई गई थी जो इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा दिया था 2018 में। दोस्तों, फिल्म के अंदर आलिया भट्ट ने शहमत खान सैद के रूप में अभिनय करते हुए नजर आई हैं। वहीं पर विक्की कौशल के बारे में हम बात कर ले तो शहद इकबाल के रूप में इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। जयदीप अहलुवा के बारे में हम बात कर ले तो राव एजेंट मनोहर के चौधरी के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। और उसी के साथ बात कर ले रजत कपूर के बारे में, तो हिदायत के रूप में इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजीव फिल्म के बारे में काफी रोमांटिक फैक्ट को बतलाएंगे और वीडियो के अंत में हम ये बतलाएंगे कि ये फिल्म आपको कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ बता दें दोस्तों, राजीव फिल्म मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित की गई और जंगली पिक्चर और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तहत बनाई गई ये मूवी करण जौहर और यश जौहर और अपूर्वा मेहता द्वारा निर्मित किए गए 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म में आलिया भट्ट है और सहायक भूमिकाओं में विक्की कौशल ने अभिनय किए हैं। दोस्तों, रजत कपूर इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ शिशिर शर्मा और जयदीप अहलुवा इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें ये फिल्म 2008 की उपन्यास वाली कोल्डिंग सहमत का एक रूपांतरण फिल्म है जो एक भारतीय अनुसंधान वाली और विश्लेषण के साथ जो है बिंग रो एजेंट
एजेंट का एक सच्चा खाता है, जिसने जो है अपने पिता के अनुरोध पर भारत को सूचना देने के लिए पाकिस्तान में सैन्य अधिकारियों के परिवार में शादी कर ली है। और इसके अलावा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले की कहानी को फिल्म के अंदर बतलाई गई है। इसी के साथ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं राजीव मूवी की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म की फोटोग्राफी जुलाई 2017 में मुंबई में शुरू हुई और 27 अक्टूबर 2017 को पूरी कर ली गई थी। इसी पटियाला नाभा के साथ जो है मलेर कोटला और इसके साथ जो है दूध पत्थीरा सहित कई स्थानों पर मूवी को शूट किया गया था। जो राजीव मूवी 11 मई 2018 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को बनाने में 350 मिलियन रुपए खर्च हुए थे। और वहीं पे बात कर ले इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो राजीव मूवी ने दुनिया भर में 196 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएस में कन्वर्ट कर दे तो 25 मिलियन से अधिक की कमाई की। और एक महिला नायक की विशेषता वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक के रूप में उभरी। और मेघना के निर्देशन और भट्ट के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ ये फिल्म एक महत्वपूर्ण सफलता मूवी थी, जो 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार में राजीव फिल्म को 15 नामांकन प्राप्त हुए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना दोस्तों, साल 2014 से जंगली पिक्चर की अध्यक्ष प्रीति सहानी हरिंदर सिंह के साथ एक सिक्का के साथ 2008 के उपन्यास के साथ कलिंग सहमत पर फिल्म के अधिकार हासिल करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें एक भारतीय महिला गुप्त एजेंट की सच्ची कहानी का विवरण करेगी, जो एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी से शादी करके अनुसंधान और विश्लेषण जो है बिंग रॉक के साथ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले की गोपनीय जानकारी के साथ जो है तलवार के साथ 2015 के निर्माण के दौरान वो मेघना गुलजार के संपर्क में आई। तो दोस्तों 2015 के निर्माण के दौरान वो मेघना गुलजार के संपर्क में आ गई और पूछा गया था, तो उन्होंने उपन्यास के लिए फिल्म रूपांतरण को निर्देशित करने में अपनी रुचि व्यक्त की है। मेघना मान गई थी इस फिल्म के लिए, लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें सूचित किया गया था कि फिल्म नहीं बन पाई है। फरवरी 2016 में उसी उपन्यास को अनुकूलित करने के लिए एक अन्य निर्माता ने उनसे संपर्क किया और वह फिर से सहमत हो गई। और ये सोच कर की एक ही परियोजना को दो बार पेश किया जाना था। फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग राजीव फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की कहानी को एनालिसिस करेंगे, बतलाएंगे फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी और ये जब मूवी रिलीज हुई थी तो फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिला था। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इस मूवी ने इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई की। तो दोस्तों अगर आप इन सब चीजों को जानना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बता दें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजीव फिल्म के बारे में। तो फ्रेंड राजीव फिल्म कौन सी और आपको कहां पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी राजीव फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों बात कर ले राजीव मूवी के रिलीज डेट के बारे में, इस फिल्म को 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छी रिस्पॉन्स मिली थी। दोस्तों बात कर ले फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो फिल्म में आलिया भट्ट, एनपीके कौशल इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। और वहीं पे बात कर ले फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, तो फिल्म को मेघना गुलजार सर ने डायरेक्ट किया था। और फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं विनीत जैन एंड करण जौहर ने मिलकर, साथ ही साथ यश जौहर एंड अपूर्वा मेहता ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए थे। और बात कर ले मूवी की बजट के बारे में, तो फिल्म को 40 करोड़ के बजट में बनाया गया था। और वहीं पर बात कर ली मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 207 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये फिल्म साल 2018 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोस्तों राजीव फिल्म साल 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में आलिया भट्ट है और सहायक भूमिकाओं में विक्की कौशल अभिनय किए हैं। दोस्तों रजीत कपूर के साथ इस फिल्म में श्री शर्मा और जयदीप अहलुवा भी नजर आए हैं। ये फिल्म हरिंदर सिक्का के 2008 के उपन्यास वाली फिल्म कलिंग सहमत का एक रूपांतरण फिल्म है, जो एक भारतीय अनुसंधान और आपको बतला दे विश्लेषण बिंग राग के साथ एजेंट का एक सच्चा खाता है, जहाँ पे जिसने अपने पिता के अनुरोध पर भारत को सूचना देने के लिए पाकिस्तान में सैन्य अधिकारियों के परिवार में शादी कर ली है। इसके अलावा दोस्तों सन 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध से पहले राजीव की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2017 में मुंबई में शुरू हुई थी और 27 अक्टूबर 2017 को पूरी कर ली गई थी। इसे पटियाला नाभा के साथ जो है मलेर कोटा के साथ और आपको बता दें दूध पत्थरी सहित कई स्थानों पर शूट किया गया था।
राजी मूवी 11 मई 2018 को रिलीज हुई थी। सिनेमाघरों में 350 मिलियन लग गए थे फिल्म को बनाने में। जो हम यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 4.4 मिलियन के बजट पर इस मूवी को बनाया गया था। और राजी मूवी ने दुनिया भर में 1.9 बिलियन से आधे की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 25 मिलियन की कमाई की थी। एक महिला नायक की विशेषता वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में उभरी। मेघना ने निर्देशन और भट्ट के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ ये महत्वपूर्ण सफलता वाली फिल्म थी, जो 64वें फिल्मफेयर पुरस्कार में राजी फिल्म को 15 नामांकन प्राप्त हुए थे। इसके अलावा दोस्तों, जहां पे इसने आपको बता दें, आलिया भट्ट के एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साहित्य के 5 पुरस्कार जीते। वहीं पे फिल्म को 2014 से जंगली पिक्चर की अध्यक्ष जो है प्रीति सहानी, हरिंदर एस सिक्का के 2008 के उपन्यास वाली कॉलिंग वाली मूवी पे सहमत पर किए गए थे और फिल्म के अधिकार हासिल करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें एक भारतीय महिला गुप्त एजेंट की सच्ची कहानी का विवरण करेंगे, जो एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी से शादी कर लेते हैं। साथ ही साथ अनुसंधान और विश्लेषण विंग के साथ जो है रो एजेंट 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले की गई आपको बतला दें गोपनीय जानकारी के साथ तलवार 2015 के निर्माण के दौरान वह मेघना गुलजार के संपर्क में आई थी और पूछा था कि क्या वहां पे उपन्यास के एक फिल्म जो है रूपांतरण को निर्देशित करने की रुचि है, जहाँ पे मेघना माइगी के साथ। लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें सूचित किया गया था कि फिल्म नहीं बन पाई है, जहाँ पे फरवरी 2016 में उसी उपन्यास को लेकर अनुकूलित करने के लिए एक अन्य निर्माता ने उनसे संपर्क किया और फिर से सहमति हुई वहां पे ये मूवी सोचकर कि एक ही परियोजना को दो बार पेश किया जाना था। यहां दोस्तों आपने सही सुना फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजी फिल्म के बारे में। अगर आप राजी मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिल्म को लेकर भले ही 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि में सेट की गई थी, लेकिन इस फिल्म में अन्य फिल्मों के विपरीत भी एक्शन दृश्य नहीं थे, क्योंकि कहानी युद्ध की शुरुआत की ओर ले जाती है। इसके अलावा दोस्तों, वास्तविक संघर्ष की मेघना ने अपने परिवार के सदस्यों से युद्ध की कहानियाँ सुनी थी, जिनका अन्य युद्ध जो है समाप्त होने के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने महसूस किया था कि ये भारतीय और आपको बता दें इस इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था और फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किए गए थे, क्योंकि कहानी वर्तमान समय में महत्वपूर्ण है। जब पड़ोसी देश के गैर और आपको बता दें सौहार्दपूर्ण संबंध रखे गए थे, तो मेघना ने कहा था मानव तत्व इसे जो है यानी कि कलातीत के साथ बनाते हैं। और पाकिस्तान में मेरे पिता के दोस्तों से मैं जो है समझती हूँ कि लाइनें गजल के साथ काफ़ी अच्छा इनकी कागज़ पर है और राजनीति के रूप में सामने आई है, लेकिन दिन के अंत में हम अपने कपड़ों को और आपको बता दें व्यंजनों के साथ जो यानी कि संस्कृति में सामने आते हैं। इसके अलावा दिसंबर 2016 में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आलिया भट्ट को फिल्म में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी, एक खबर जिसके सामने पुष्टि हुई थी कि अप्रैल 2017 में हुई थी, जहां पे करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन अप्रैल 2017 में जंगली पिक्चर के साथ फिल्म का सह निर्माण करने के लिए बोर्ड पर आया था। विक्की कौशल की कास्टिंग की आधिकारिक तौर पर जून 2017 में घोषणा की गई थी। इसके अलावा राजीव फिल्म की फिल्मांकन के बारे में हम बात कर ले तो प्रक्रिया जुलाई 2017 में शुरू हुई और मुंबई में होने वाला पहला शेड्यूल अगस्त 2017 के माध्यम से पूरा हो गया था। यहाँ पे मूल रूप से राजी फिल्म का पहला शेड्यूल कश्मीर में आयोजित किया जाना था, लेकिन घाटी में अशांति की स्थिति के कारण निर्माता ने शूटिंग स्थानों को मुंबई में स्थानांतरित करने का फैसला किया, जहाँ सभी डनोड और दृश्यों को फिल्म सिटी के अंदर बनाए गए थे और सेट पर फिल्माया गया था। जहाँ पे फिल्म का दूसरा शेड्यूल पंजाब में हुआ था, जहाँ अगस्त और सितंबर 2017 के दौरान इस फिल्म को शूट कर लिया गया था। अब दोस्तों, 25 अगस्त 2017 को प्रमुख गुरमीत रहीम के साथ और आपको बतला जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ था कि फिल्म के फ्यूल लगाया गया था, जहां पे इस मूवी के लिए पंजाब का शेड्यूल पूरा करने के बाद राजी फिल्म की प्रोडक्शन टीम 17 सितंबर 2017 को 10 दिनों के शेड्यूल के लिए कश्मीर पहुंच चुकी थी, जहां पे इस फिल्म के लिए पहलगाम श्रीनगर के शिवपुरा में इस मूवी को शूट किया गया था। वहीं पे धूप पत्थर में फिल्मांकन किए गए थे और शूटिंग के अंतिम कार्यक्रम पंजाब में होना था, लेकिन आपको बता दें गुरमीत राह के साथ रहीम सिंह की गिरफ्तारी के कारण हुई थी और वहीं पे अशांति के कारण दिल्ली में पूरा किया गया था, जो 27 अक्टूबर 2017 को फिल्मांकन समाप्त हो गई थी। दोस्तों, अब इसके अलावा जुलाई 2020 के दौरान जनता के गुस्से और आपको बता दें चर्चा के गर्म माहौल के बीच जो है जिसका आपको आरोप लगाया गया था और मेघना ने उनकी अनुमति के बिना फिल्म का शीर्षक बदल दिया और उन्हें निर्देशक का धारा फिल्म का कट नहीं दिखाया गया था।
जो अनुबन का हिस्सा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि गुलजार और उनके पिता ने फिल्म में पाकिस्तान समर्थक जो है रूप अपनाए थे और निर्माता जैन और जौहर ने उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया था। दोस्तों राजी फिल्म के पहले पोस्टर के बारे में हम बात कर ले तो 9 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी और फिल्म के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से जारी किया गया था, जबकि फिल्म का ट्रेलर 10 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था और ये फिल्म 11 मई 2018 को रिलीज हुई थी। राजी फिल्म को सार्वभौमिक जो है आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। फिल्म की समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 8.2 से किए गए थे और औसत रेटिंग के साथ फिल्म को 8 समीक्षा के आधार पर 100 रेटिंग दिए गए हैं। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। फ्रेंड इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राजी। तो फ्रेंड ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात कर ले तो फर्स्ट पोस्ट के अन्ना MM वेटिकेट ने फिल्म को दिल को थाम लेने वाली कहा है और दिल दहला देने वाला जासूसी नाटक करार दिया है मूवी को। इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए उन्होंने और इसी के साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग दिए हैं। इसमें कहा गया है कि राजी स्पाई थ्रिलर फिल्म है जो शैली को विस्फोट के बजाय जो है भावनाओं के साथ फिर से लिखे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वस्त ने आलिया भट्ट के प्रदर्शन के बारे में प्रशंसा की और फिल्म को रेटिंग दिए 4 में से 5 का। और इसके अलावा आपको बता दें ये कहते हुए कि राजी एक जो है समझदारी से लिखी गई और बारीक जो है अभिनय वाली मूवी है जहां पे असाधारण लोगों के समस्या वाली जीवन को करीब देख सकते हैं। यदि आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो अवश्य इस मूवी को देख सकते हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस की शालिनी लंगर ने निर्देशक जो है मेघना गुलजार की प्रशंसा नहीं की क्योंकि राजी फिल्म को भाषावाद का छाती पीटने वाला तमाशा बनाने की अनुमति देते हुए फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि ऐसे समय में जब जो है नफरत होती है तो गुस्सा और आपको बता दें अब माहीन जो है मुद्रा राजी जैसी फिल्म बनाने की जरूरत है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा आलिया भट्ट विक्की कौशल स्टारर आपका दिमाग उड़ा देगी, क्योंकि फिल्म के बारे में Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने इस फिल्म की सराहना की और फिल्म के अभिन्न प्रदर्शन शंकर एहसान के साथ लाया गया था और उनके द्वारा रचित किए गए थे और इसका संगीत छायांकन ए संपादन के साथ साथ और फिल्म को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि राजी फिल्म एक दुर्लभ वस्तु वाली मूवी है और यह फिल्म तीव्र दक्षिण के साथ जो है चतुर गहरा वाला उदास और गीतात्मक मूवी है। हार्दिक प्रशंसा की गई थी मूवी के लिए जहां पे और जो है इनकी कमतर किए गए। न्यूज 18 के राजीव मंसद ने फिल्म को 3.5 स्टार की रेटिंग दी और भट्ट को राजी का धड़कता हुआ दिल कहा और कहा यह फिल्म इसलिए भी प्रशंसनीय है क्योंकि ये मूवी एक मापी गई है जहाँ पे ज्यादातर जो है बुद्धिमान थ्रिलर मूवी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमें जोर जोर वाले भूमि संगीत के साथ उत्तेजना सम्मान के साथ जो है चचम खिलाए हैं जहां पे बिना देशभक्ति और सम्मान की गई और धारणाओं पर विचार करने के लिए कहते हैं। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 3.5 स्टार की रेटिंग दी और उन्होंने कहा कि राजी फिल्म एक दिलचस्प थ्रिलर मूवी है, इसे मेघना गुलजार द्वारा शानदार ढंग से सुनाया गया है जो कि परिपक्व और देखने के लिए बनाई गई है। ये एक ऐसी फिल्म है जो राष्ट्रवाद का जश्न मनाते हैं जो धर्म के रंगों से रहती है। इंडिया टुडे की सुहानी सिंह ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए। इसमें कहा गया था कि आलिया भट्ट ने मेघना गुलजार की जासूसी थ्रिलर फिल्म में काफ़ी अच्छे शो को चुरा लिया है। हाँ दोस्तों आपने सही सुना। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट की मूवी राजी फिल्म के बारे में, तो फ्रेंड अगर आप राजी फिल्म को देखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के बारे में और भी अधिक जानने की कोशिश करें तो फर्स्ट भूमि की संगीत या फिर उत्तेजक संवाद ने बॉलीवुड के तरफ से फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और ये कहते हुए कि राजी मेघना गुलजार द्वारा शानदार ढंग से सुनाई गई फिल्म है जहां पे आलिया भट्ट इस फिल्म में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है। दोस्तों एक नकारात्मक समीक्षा में द हिंदू के केनीथ रोसारिया ने टिप्पणी किया है राजी फिल्म के बहुत कुछ यानी कि चल रहे हैं फिर भी आपको बता दें नबी नतम की भारी कमी है, चाहे वह फिल्म की साजिश या फिर संदेश या फिर भट्ट की रोने की क्षमता हो। NDTV के राजा सेन ने इस फिल्म को दिया है 5 में से 3 स्टार की रेटिंग और जिसमें कहा गया है कि मेघना गुलजार की जासूसी फिल्म पसंद करने के लिए बहुत कुछ रखे गए हैं लेकिन आलिया भट्ट ने राजी फिल्म को गंभीरता से लेना मुश्किल बना दिया क्योंकि scroll.in की नंदिनी रामनाथ ने फिल्म के बारे में और आलिया भट्ट के बारे में अच्छे सुझाव देते हुए इस मूवी की एक चमक कहानी बतलाई है। राजी मूवी 2018 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी थी। तनु
टूवर्ड्स मनु रिटर्न के बाद ये भारत में एक महिला प्रधान द्वारा संचालित की गई 100 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई। फिल्म ने भारत में 158 करोड़ से अधिक की कमाई की और बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म को पीछे छोड़ते हुए आलिया भट्ट के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। राजीव मूवी ने दुनिया भर में कुल 2.7 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दी तो 26 मिलियन से अधिक की कमाई किया। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राजीव मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी राजीव फिल्म की कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये तो आप लोग को पता है। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ चलिए फ्रेंड, अब यहाँ से बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, फिल्म में बतलाई गई कहानी भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल निखिल बख्शी के साथ स्टार्ट होता है, जो IAS के साथ जो है विराट पर सवार भारतीय सैनिकों के एक समूह को संबोधित करते हुए पाकिस्तान में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ अंडरकवर एजेंट के रूप में सेवा करते हुए एक महिला के कारनामों का विवरण देते हैं। कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले की घटनाओं पर वापस आती है, क्योंकि हिदायत खान एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एजेंट है, जो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ भारत सरकार के लिए एक मुखबिर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो अपनी 20 वर्षीय बेटी सहमत को एजेंट बनाना चाहते हैं और आपको बता दें, फेफड़ों के कैंसर से अपनी अशरण मृत्यु से पहले देश की सेवा में रहने के विपरीत जो है परंपरा को जारी रखना चाहते हैं। सहमत इच्छुक है कि इसीलिए उसे वरिष्ठ रॉक के साथ अधिकारी मीरा मानो और चौधरी के साथ उसके सहायक एक युवा बक्सी धरा प्रशिक्षित किया जाता है। खान ने पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर परवेज सैयद के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करते हुए सहमत को अपने छोटे बेटे इकबाल सैयद के शादी करने के लिए इस्तेमाल किया, जो एक अन्य सैन्य अधिकारी था। और पाकिस्तान में प्रवेश के बाद जो है सहमत अपने विवाह के साथ जीवन में बस जाती है, एक नए देश में आपको बतला दें समयोजित हो जाती है और अपने जो है ससुराल वाले का विश्वास स्थापित कर लेती है। ब्रिगेडियर सैयद को मेजर जनरल के रूप में पदोन्नत किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण के साथ दस्तावेज और देश के रक्षा बलों के सदस्य के साथ उसके घर में जरूरत के साथ गुजरते हैं। सहमत भारत में अपने संचालन के साथ जो है संचार चैनल स्थापित करना चाहते हैं और ये सूचनाओं को प्रसारित करना शुरू कर देते हैं कि इसी बीच इसे एक बाल से प्यार हो जाता है और वो अपनी शादी को पूरा कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम राजीव फिल्म की कहानी को बता रहे हैं। अगर आप राजीव फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो है सहमत भारत के खिलाफ एक आक्रमण की योजना से संबंधित जानकारी को देखते हैं और इसे पारित करने में सक्षम हो जाते हैं। नौकरों में से एक अब्दुल सब के बारे में सच्चाई का पता लगाता है और सहमत उसे अपने कवर को उजागर करने से बचने के लिए एक कार के साथ नीचे चला जाता है। घटना उस पर भारी जो है भावनात्मक टोल लेते हैं। यहाँ पे सूचना भारतीय विमान वाहक के साथ जो है पोर्ट INS के साथ विक्रांत पर सुनियोजित हमले की ओर इशारा करती है। इसे तब बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया था, जहाँ पे इकबाल के बड़े सैन्य अधिकारी भाई महबूब सैयद को शक होने पर सहमत ने अनिच्छा से उसे मार डाला था। हुआ महबूब की पत्नी जो है मुन्नीरा की विधवा होने से व्याकुल है और उसे पुलिस पूछताछ से बचाती है। अंत तक उसे इकबाल धारा एक जासूस के रूप में खोजा गया, जो रहस्योद्घाटन से दुखी हो जाती है और उसका सामना कर लेते हैं, जहां पे लेकिन एक जो है ग्रेनेड से मर जाती है। मीर की टीम के एक सदस्य ने सहमत को मारने के लिए ग्रेनेड फेंका था और उसे जो है पकड़ा जाना चाहिए। सहमत जिंदा बच जाता है, जिससे महिला इकबाल का सामना करना पड़ा और वहां पे वास्तव में एक अन्य जो है बुरका पहने एजेंट थी, जिसने जो है सहमत के साथ स्थान बदल लिया और इकबाल के साथ जो है ग्रेनेड से भाग जाता है और अपने जो है पति की मौत से यानी कि स्तब्ध हो जाती है। और इसी तथ्य से कि मीर उसे मारने के लिए तैयार था और सहमत को इस काम की लड़ाई में लाइन में रिश्तों और आपको बता दें मानवता के महत्व का एहसास हो जाता है। अपने हाथ से एक परिवार के विनाश से टूटकर वह भारत लौट आती है और पता चलता है कि वह इकबाल के बच्चे के साथ जो है गर्भवती है।
वह बच्चों को रखने का फैसला करती है। सहमत के निष्कर्षों के साथ जो है INS के साथ राजपूत विशाखा पतन के तप के साथ पाकिस्तानी और आपको बता दें पंडू भी PNS के साथ जो है गाजी को डुबा देते हैं। अधिकारियों के बीच सहमत के बेटे समर खान के साथ निखिल बख्शी ने अपना जो है भाषण समाप्त किया और इसी बीच एक वृद्ध यानी सहमत अपनी कुर्सी पर बैठे और अपने घर की खिड़की से बीच में घूरते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। जहाँ दोस्तों आपने सही सुना फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजी फिल्म के बारे में। तो ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। राजी मूवी वॉज द रिलीज ऑन 11 मई 2018, मेड ऑन द बजट 350 मिलियन एंड यूएसए कन्वर्ट टू द 4.4 मिलियन। राजी वेंट टू बी ग्रोस 1.96 बिलियन एंड यूएसए कन्वर्ट द 25 मिलियन वर्ल्ड वाइड एंड द इमेजेड इज द वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म इन द इंडियन फ्यूचर फीमेल एंड वॉज द ऑल्सो क्रिटिक्स एंड सक्सेस विद द एंड मेघना डायरेक्शन एंड द भट परफॉर्मेंस एंड रिसीव्ड द एंड प्राइज। राजी रिसीव्ड द 50 नॉमिनेशन एट द बेस्ट अवार्ड फॉर द फीमेल एक्टर्स। द इंडियन आर्मी ऑफिसर द एंड लेफ्टिनेंट जनरल निखिल बख्शी एड्रेस अ ग्रुप ऑफ द इंडियन एंड सोल्जर द एंड अबाउट द INS द एंड ब्रॉड द डिटेल एंड वुमेन द एक्सप्लोटिव विल बी इन सिविंग एंड द एंड अंडरकवर एजेंट ऑफ द एंड रिसर्च एंड एनालिसिस वांग द एंड इंडियन एक्सटर्नल द एंड इंटेलिजेंट एजेंसी इन पाकिस्तान। द स्टोरी ऑफ द फ्लैशबैक टू बी इवेंट द एंड प्रोसीडिंग टू बी इंडियन एंड पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 एंड द हिदायत खान इन इंडियन द इन फ्रीडम फैक्टर एंड अजेंट द पश्चिम परफॉर्मेंस फॉर द इंडियन गवर्नमेंट अगेन टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही द एन विशिट टू ही मेक हिज 20 ईयर्स ओल्ड द एंड डॉटर सहमत एंड अजेंट ऑफ द एंड कंटिन्यू द फैमिली एंड ट्रेडिशन ऑफ द बिगिन ऑफ द सर्विस टू बी एंड कंटिन्यू बिफोर हिज द एन इम्प्रेटिंग डेट फ्रॉम द एंड लॉन्ग कैंसर द एंड सहमति इट इज द विल बी शो एंड टेनेड बॉय द एन सीनियर RNAW ऑफिसर मीरा एन मनोज चौधरी एन हु बी असिस्टेंट एन यंग द बख्शी खान इन विशेष हिंदी एंड फ्रेंडशिप विद द ब्रिगेडियर परवेज सैयद ऑफ द पाकिस्तान आर्मी टू हेज द एन सहमत अ मैरिज टू बी यंगर सन इकबाल सैयद इन अनदर द एन मिलिट्री ऑफिसर आफ्टर द एन मगंटी टू पाकिस्तान इन सहमत द एन सेटल इन टू हेयर द मैरिज लाइफ ऑफ द एन एडजस्ट द न्यू कंट्री एंड द स्टेबलाइजेशन द एन ट्रस्ट ऑफ हेयर द लॉ इन ब्रिगेडियर सैयद इज द एन प्रमोटेड टू बी मेजर जनरल विच बी एन रिजल्ट इन द एन सर्कल ऑफ द डॉक्यूमेंट एन मेंबर ऑफ द कंट्री हिज द एन डिफेंस टू बी एन फोर्सेज द एन पासिंग द एन थ्रू हिज द एन हाउस द एन सहमति इन सहमत स्टेबलाइज द एन कॉमरिकल एंड चैनल्स विद बी एन हैंड्रेस बैक इन द इंडियन एन स्टार्ट टू बी एन रिलाइन इन्फॉर्मेशन एन मन विल सी इन द फेल इन लव विद बी इकबाल एंड दी एन कंसूमेट थियर द एन मैरिज इन सहमत स्पोर्ट द इन्फॉर्मेशन रिलेट टू बी एन प्लानिंग ऑफ द हिन इन ऑफिस इन द एन अगेन इंडिया एंड एबल टू बी एन पास इन टू वन ऑफ द एन सर्वेंट द अब्दुल एंड डिस्कवर्ड द एन अबाउट हेयर द एन सहमत run him be down and care the avoid the an exposure to hear the cover the an event heavy an emotional toll and hear the an information the point to be in play to attack and the Indian and aircraft carrier and INS the Vikrant the and deployed in the Bay of the Bengal and Sahmat the in re-collecting click the in Mahbub Syed Iqbal an elder the army officer and brother and after the hin find up the hin the movie साइंस ऑफ 2014 द प्रीति सहानी एंड प्रेसिडेंट ऑफ द जंगली पिक्चर वॉज द एन ट्राइंग टू बी एंड इक्वरी द फिल्म द राइट टू बी एन हरिंदर इज द एनसिका इज 2008 एंड नोवल द कलिंग एंड सहमति विच बी एन डिटेल टू बी एन ट्राइड द एन स्टोरी ऑफ द इंडियन वुमेन एंड सीक्रेट एजेंट मैरिज टू पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर टू बी एन प्रोवाइड द रिसर्च एंड द एनालिसिस द विंग द राव विद द एन कंफिडेंशियल इन्फॉर्मेशन द एन पीरियड टू बी इंडिया पाकिस्तान वार ऑफ the 1971 and during the production of the Talwar 2015 she got in touch with the Meghna Gulzar and
इन क्वारिट ऑफ द सी वॉज द एन इंटरेस्टेड द इन डायरेक्टिंग फिल्म एंड द अटेप्शन ऑफ द एन नोवल मेघना एग्री टू बट वॉज द इन्फॉर्मेशन फ्यू मंथ लेटर थेट द एन फिल्म डीन एंड द मेटर राइज हिज द एन फरवरी 2016 सी द एन अप्रोचेड बाय द अनोदर एन प्रोड्यूसर एंड टू बी इन द नोवल एंड सी एग्री टू बी अगेन इन थिंकिंग इट इज द वर्स्ट टेक द एन स्क्रीन डिप टू बी एन ऑफर टू एंड सेम प्रोजेक्ट एंड टू इज द एन विन दी टेक ऑन द एंड proposal also in the field to the in Meghna and decide to see hit the end Karmiki the end connection with B Kaling and Shahmat give to be in Sika Hedi and approached the hair father Guljar to end date the film was the end adaptation when the end novel was the released She had the in development the or report with the Sika and during the in purview the meeting will be the in decision the D in production and the toll and another and other third the in opposite the Sahani again for the film and adaption the D and tell will be successful and December 2016 Meghna announcement the project and the next film in Meghna was the dream to be a story it is the was on the in audience goal and a fit in the was to be in not the in company in the India and Pakistan the poor war be and Sulugrin hit the begin to be in account the makes him the in film more the in powerful see hit the and tried the in remain to be in try story at the possible during in production even to be in thaw of the film was the and backdrop of the film India Pakistan war of the 1971 I did the future action the in science unlike to be other film and the under the same and backdrop the science of story leading up the movie began from the wall and not the end actual the end country fat Meghna had the in heart state to fear from the in family and members of the having being the in born after the war and was over She felt was the end important the end milestone India in history and was the end motivate to be make here the film and story the important the end precedent time of the will be and the need both the countries have a known and cradled in relationship the Meghna side the end human the end elements make the end timeless from the end father the friends in Pakistan and understand to be end line are one the paper and the true end politically what is the end of the and where be re-smile of the end cloth and science costume in the movie in December 2016 this is the was begin and Supply Kochal Alia Bhatt and been offered to lead role in the film and new with the end confirmed to be the tie in April 2017 दोस्तों राजी मूवी 11 मई 2018 को रिलीज हुई थी 350 मिलियन के बजट पे इस फिल्म को बनाया गया था जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 4.4 मिलियन के बजट पे इस मूवी को बनाई गई थी राजी मूवी ने दुनिया भर में 196 मिलियन से अधिक की कमाई किया जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 25 मिलियन से अधिक की कमाई की थी और ये फिल्म एक महिला नायक की विशेषता वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक के रूप में उभरी दोस्तों फिल्म के अंदर मेघना के निर्देशन और भट्ट के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ ये फिल्म एक महत्वपूर्ण सफलता मूवी थी जो 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार में राजी फिल्म को 15 नामांकन प्राप्त हुए थे जहां पे इसने आलिया भट्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के सहित जो है 5 पुरस्कार जीते इसके अलावा दोस्तों फिल्म के बारे में हम बात करें तो साल 2014 में जंगली पिक्चर की अध्यक्ष प्रीति सहानी हरिंदर एस सिक्का ने इस फिल्म के बारे में 2008 की उपन्यास कुलिंग के साथ सहमत पर फिल्म के अधिकार हासिल करने की कोशिश कर रही थी जिसमें एक भारतीय महिला गुप्त एजेंट की सच्ची कहानी का विवरण करेगी जो एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी से शादी करके अनुसंसाधन और आपको बता दें विश्लेषण बिंग के साथ रो एजेंट 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले की गोपनीय जानकारी के साथ इसमें आएंगे जो फिल्म तलवार और 2015 के निर्माण के दौरान वह मेघना गुलजार के संपर्क में आई और पूछा गया था कि उन्होंने बताया उपन्यास की एक फिल्म रूपांतरण को निर्देशित करने में रुचि रखती है इसके अलावा मेघना मान गई थी लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें सूचित किया गया था फिल्म नहीं बन पाई है और फरवरी 2016 में उसी उपन्यास को अनुकूल के लिए एक अन्य निर्माता ने उनसे संपर्क किया और वह फिर से सहमत हो गई और ये सोच कर कि ये एक मूवी परियोजना को दो बार जो है पेश किया जाना थोड़ा सा शांत के बाद दोस्तों भले ही फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि में सेट की गई थी लेकिन इस फिल्म में अन्य फिल्मों के विपरीत एक्शन दृश्य नहीं थे क्योंकि कहानी युद्ध की शुरुआत की ओर ले जाती है न कि वास्तविक जो है संघर्ष की मेघना ने अपने परिवार के सदस्यों से युद्ध की कहानियां सुनी थी जिसका जन्म युद्ध एंड आपको बताया समाप्त होने
के बाद हुआ था। उन्होंने महसूस किया था कि ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मिल हुई फिल्म है, मील की पत्थर वाली फिल्म हो सकते हैं, और फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया गया था क्योंकि कहानी वर्तमान समय में महत्वपूर्ण है। जब आपको बता दें पड़ोसी देश के गैर जो है इनके सौहार्दपूर्ण संबंध रखे गए तो मेघना ने कहा था कि मानव तत्व इसे जो है कलात्मक के साथ बनाते हैं। पाकिस्तान में मेरे पिता के दोस्तों से मैं जो है समझती हूँ कि लाइनें कागज पर है और इसके अलावा राजनीतिक रूप से सामने आई है, लेकिन दी के साथ अंत में हम अपने जो है कपड़ों और वंजों पर जो है संकृत में सामने आते हैं। दोस्तों दिसंबर 2016 में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आलिया भट्ट को फिल्म में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी। एक खबर जिसकी पुष्टि अप्रैल 2017 में हुई थी, करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन अप्रैल 2017 में जंगली पिक्चर के साथ फिल्म का सह निर्माण करने के लिए बोर्ड पर आया। विक्की कौशल की कास्टिंग की आधिकारिक तौर पर जून 2017 में घोषणा की गई थी। दोस्तों राजीव मूवी की फिल्मांकन प्रक्रिया जुलाई 2017 में शुरू हुई। मुंबई में होने वाला पहला शेड्यूल अगस्त 2017 के मध्यम तक पूरा हो गया। मूल रूप से राजी का पहला शेड्यूल कश्मीर में आयोजित किया गया था, लेकिन घाटी में अशांति की स्थिति के कारण निर्माता ने शूटिंग स्थान को मुंबई में स्थानांतरित करने का फैसला किया, जहां सभी जो शूटिंग है इंडोर शूट किए गए थे और ये मूवी की शूटिंग जो है दिवसुए की फिल्म सिटी के अंदर बनाए गए थे और वहीं पे इस मूवी को फिल्माया गया था। फिल्म का दूसरा शेड्यूल पंजाब में शुरू हुआ था, जहां पे अगस्त और सितंबर 2017 के दौरान पटियाला और मलेरकोटा में हुआ था और फिल्मांकन किया गया था। इसके अलावा दोस्तों डेरा सच्चा सौदा को दोषी ठहराए जाने के बाद जो है भड़की हिंसा के कारण पटियाला में कुछ दिनों के लिए शूट किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजीव मूवी के बारे में। अगर आप राजीव मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। 25 अगस्त 2017 को प्रमुख जो है गुरमीत राम रहीम सिंह और जिसके परिणाम स्वरूप जो है कर्फ्यू लगाया गया था। पंजाब का शेड्यूल पूरा करने के बाद राजीव मूवी की प्रोडक्शन टीम 17 सितंबर 2017 को 10 दिनों के शेड्यूल के लिए कश्मीर पहुंच चुकी थी, जहां पे पहला गम और श्रीनगर के शिवपुरा में और इस फिल्म के जो है बडगाम के साथ जिले के और उनके साथ धूप पट्टी में फिल्मांकन किए गए थे। शूटिंग की अंतिम कार्यक्रम पंजाब में होना था, लेकिन इसके अलावा मुरमीत राम रहीम सिंह की गिरफ्तारी के कारण हुई थी। अशांति के कारण जो है दिल्ली में पूरा किया गया, जो 27 अक्टूबर 2017 को फिल्मांकन समाप्त कर लिया गया। जुलाई 2020 के दौरान जनता के गुस्से और चर्चा के मार्ग माहौल के बीच सिक्का ने अब आरोप लगाया था। मेघना ने उनकी अनुमति के बिना फिल्म का शीर्षक बदल दिया और उन्हें निर्देशक द्वारा फिल्म का कट नहीं दिखाया गया था, जो कि अनुबंध का हिस्सा था। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि गुलजार और उनके पिता ने फिल्म में पाकिस्तान समर्थक जो है रुख और अपनाया और निर्माता जैन और जौहर ने उन्हें बदनाम करने का प्रयास भी किया। राजीव मूवी की पहले पोस्टर 9 अप्रैल 2018 को फिल्म के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से जारी किया गया था, जबकि फिल्म का ट्रेलर 10 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था और ये फिल्म 11 मई 2018 को रिलीज हुई थी। राजीव को सर्वभौमिक जो है आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। फिल्म की समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8.2 से अधिक रेटिंग दी गई है और ये महिला प्रधान वाली सबसे अधिक रेटिंग वाली मूवी है। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। चलिए फ्रेंड्स, राजीव फिल्म के मुख्य अभिनेत्री आलिया भट्ट के बारे में हम कुछ बातों को जान लेते हैं। तो दोस्तों भट्ट की पहली प्रमुख भूमिका वाली मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन के साथ इनकी सबसे पहली मूवी थी। उसने 500 लड़कियों के साथ ऑडिशन दिया था, जो 16 किलो वजन कम करने के बाद उसे कास्ट किया गया था। उसने एक प्रेम त्रिकोण में शामिल किए गए एक प्रोसीकृति के साथ किशोर लड़की की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने करण जौहर की कभी खुशी कभी गम फिल्म 2001 में अपने चरित्र का सान्य सिंघाल और आपको बतला दे करीना कपूर की पूजा पू शर्मा के बीच जो है समापन का उल्लेख किया गया था, लेकिन ध्यान दिया गया था कि उनका प्रदर्शन हत्यारे रवैये के बिना था, जहां पे हॉलीवुड रिपोर्ट किए गए थे। लिसा सेंट्रिया ने उन्हें एक जो है धोखेबाज के रूप में खारिज कर दिया था मूवी के अंदर, न केवल वह नृत्य जहाँ पे संख्याओं ने संचित पूर किए थे।
बल्कि उनके भाव के साथ सीमित किए गए थे और पूरी फिल्म में उनके चेहरे की डिजिटल जो है रीटचिंग किए गए थे और एक प्यार कुलता के साथ बनाए गए थे। ए स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी ने बॉक्स ऑफिस में 960 मिलियन से आधे की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 12 मिलियन की कमाई की थी, जो एक व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई। ए स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म को मिली जुली आलोचनात्मक प्रतिक्रिया से निराशा होकर भट्ट एक बेहतर भूमिका निभाने की इच्छुक थी, जहाँ पे सह कलाकार मल्होत्रा और वरुण धवन की तरह स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद उन्होंने इसे इम्तियाज अली की रोड फिल्म हाईवे में देखा गया था, जो 2014 में पाया गया, जिसमें एक अकेले किशोर लड़की के रूप में अभिनय किया था, जो कि अपहरण के बाद स्टॉकहोम के साथ जो है सिंड्रोम विकसित कर रही थी। उन्होंने अपनी हिंदी फिल्म में सुधार के लिए बोलचाल की शिक्षा ली और भाग की जो है भावनात्मक और आपको बदला दे शरीर जो है आवश्यकताओं के साथ उन्हें चुनौती दिए गए थे। दोस्तों ए स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी रिलीज होने के बाद उन्हें अपनी हिंदी में सुधारने की जरूरत थी, क्योंकि बोलचाल की शिक्षा ली और भाग की भावनात्मक और शरीर जो है आवश्यकताओं से उन्हें चुनौती मिली थी। अली ने क्रमिक रूप से फिल्म की शूटिंग की और भट्ट की प्रतिक्रिया के आधार पर सेट पर कई दृश्यों को सुधारा गया था और उसने कहा है कि उसके चरित्र की यात्रा के कई पहलुओं ने उसे अपना प्रतिबिंबित किया था, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने ऐसी परिस्थितियों का अनुभव किया था जो उसकी जो है विशेष अधिकार प्राप्त जो है परिवर्तित से अगली थी। इसके अलावा दोस्तों वैरायटी के रोनी एस्किन ने उनके प्यारे ढंग से जो है इनके अहंकारी के पास जो है परफ पर जो है ध्यान दिया था और एक अंतर्निहित जो है उदासी और आपको बता दें विषमकारी के साथ बुद्धि लाने के लिए उनकी सराहना की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कम प्रदर्शन तो किया, हालांकि भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म पर स्क्रीन के साथ क्रिटिक्स अवार्ड जीता और समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन भी इनको मिला था और वह अगली बार विकास बहल की महिलाओं की सुरक्षा पर लघु फिल्म जो है गोइंग होम में दिखाई दी थी, इसे भी अच्छी तरह से रिव्यू रेटिंग दिए गए थे। दोस्तों इन सब के बाद अगली बार कंपनी के साथ जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के साथ जो है अपना सहयोग जारी रखते हुए आलिया भट्ट ने रोमांटिक फिल्मों में दो स्टैंडर्ड के साथ जो है हमपति शर्मा की दुल्हनिया, दोनों ही फिल्म 2014 में आलिया भट्ट के साथ पहला चेतन भगत के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण बनाया गया था और प्रबन के दो छात्रों के बारे में है जिन्हें अपने माता पिता को अपने रिश्ते के बारे में समझाने में परेशानी होती है और एक मजबूत जो है तमिल लड़की के रूप में अपनी भूमिका के लिए उसने एक जो है ट्यूटर की मदद से तमिल में अपनी पंक्तियां बोलना सीखा था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने आलिया भट्ट की सराहना करते हुए उन्हें आश्चर्य और आसान और ताजा और आपको बता दें प्रकृति करार दिया था। उन्होंने डेब्यूटेंट के साथ लेखक निर्देशक जो है शशांक खेतान की फिल्म हमपति शर्मा की दुल्हनिया में एक चुलबुले पंजाबी लड़के के राकेश के साथ शादी से पहले एक पंजाबी लड़की की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई थी, जिसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित किया गया था। जौहरधारा और आपको बता दें इंडिया टुडे के लिए लिखते हुए रोहित खिलनानी ने सोचा था कि भट्ट ने उनके अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक के रूप में काम किया है। हालांकि मिंड की नंदिनी रामानाथ ने उन्हें जो है सूक्ष्मता में कमी पाया था और उन्होंने लिखा है कि वह संवाद और कार्यों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अधिक जो है सहज थी। जहां दोनों फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल रही थी, प्रत्येक ने दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 13 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो 2014 में उनकी उपलब्धि ने उनके करियर की स्थापना की। दोस्तों इसके अलावा 2016 में उत्तर पंजाब के एक कार्यक्रम में भट्ट ने रोमांटिक कॉमेडी शानदार के लिए बहल के साथ फिर से काम किया, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी और फिल्म ने शाहिद कपूर और भट्ट को अनिंदा के रूप में दिखाया गया है। एक गंतव्य शादी के दौरान प्यार में पड़ जाती है, जहां पे मुंबई मिरर के कुणाल गुहा ने फिल्म की आलोचना की और लिखा है कि भट्ट अपने चरित्र में जान फूंक देती है लेकिन इसी फिल्म में कुछ भी यानी कि पम करने में विफल रहती है। शानदार ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने 2016 की शुरुआत जो है शकुन बात्रा के कलाकारों की टुकड़ी में नाटक कपूर एंड सन्स फिल्म में सहायक भूमिका के साथ की। इसमें मल्होत्रा और फवाद खान के साथ उनकी भूमिका थी, जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मूवी थी। जहाँ फ्रेंड्स आपने सही चुना। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजीव फिल्म के बारे में और भी हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट के रियल लाइफ के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आलिया भट्ट के फैन हो और इनके मूवीज को यूट्यूब पर देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। दोस्तों इसके अलावा आलिया भट्ट ने अगली बार उड़ता पंजाब फिल्म में अभिनय किया।
जो 2016 में एक गरीब बिहारी प्रवासी की भूमिका निभाई, जो लेखक निर्देशक अभिषेक चौबे द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में एक अपराध नाटक मूवी था। गहन भूमिका ने ज्यादातर हल्के फुल्के हिस्सों से एक प्रस्थान को चिन्हित किया जो उन्होंने पहले निभाया था, और तैयारी में उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर जो है वृत्त चित्र देखे और एक बिहारी बोली बोलना सीखा। फिल्म ने तब जो है विवाद पैदा कर दिया जब जो है सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने माना कि यह एक नकारात्मक रोशनी में पंजाब का प्रतिनिधित्व करता है और रिलीज से पहले व्यापक जो है सेंसरशिप की मांग करते हैं। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सीन कोर्ट के साथ फिल्म को प्रदर्शन करने के लिए मंजूरी दे दी। आलिया भट्ट के प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। Rediff.com के राजा सेन ने लिखा है कि वह अपने उच्चारण के लिए प्रतिबंध दिखाई है और फिल्म के सबसे यानी कि वेशवाद खंड के साथ जो है काम करती है और एक आग लगाने वाले भाषण के दौरान जो है यानी कि आश्चर्यजनक है, जो पूरी फिल्म को एक दूसरे स्तर पर ले जाती है। और आपको बता दें, एक विशेष उपस्थिति के बाद जौहर की रोमांटिक ड्रामा ऐ दिल है मुश्किल फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी, जहाँ पे आलिया भट्ट ने अगली बार एक परेशान युवती की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई, जो गौरी शिंदे की आने वाली उम्र की फिल्म डियर जिंदगी मूवी थी। ये फिल्म 2016 में एक चिकित्सक के साथ शाहरुख खान द्वारा अभिनय से सलाह लेती है। इसके अलावा आपको बता दें, इंडिया वायरल के लिए लेखन और अनिशा झावरे ने एक तरीके से जो है यानी कि अयामित के साथ जो है शह शराबी के साथ क्रोध प्रदान करने के लिए उनकी सराहना की। उड़ता पंजाब और डियर जिंदगी ने भट्ट पुरस्कारों का ध्यान खींचा, क्योंकि पूर्व के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्क्रीन अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड जीता, और बाद के लिए उन्हें फिल्म फेयर में एक जो है अतिरिक्त जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन इनको मिला था। दोस्तों, इसके अलावा सफल फिल्मों की श्रृंखला आलिया भट्ट की अगली परियोजना रोमांटिक कॉमेडी बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी 2017 के साथ जारी रही थी, जिसने उन्हें खेतान और धवन के साथ फिर से जोड़ा था। ये 117 युवा महिला वाली भट्ट की कहानी बताती है, जो अपने रूढ़िवादी मंगेतर धवन से और इसके अलावा जो है इनकी पत्रिशत्तात्मक जो है अपेक्षाओं के अनुरूप होने से इनकार कर दिया था। द न्यूयॉर्क के साथ द न्यूयॉर्क टाइम के रेचल जो है इनकी सल्टाज ने लैंगिक के साथ जो है समानता पर फिल्म के बयान पर जो है ध्यान दिया था और लिखा है, बिना कभी यानी कि सासी बॉलीवुड नायिका के चंगुल में पड़े भट्ट जो है सहजता से उनके साथ जो है प्रशंसनीय जीत को पूर्वज जो है रूप से देती है। यहाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। इसके अलावा दोस्तों, इनके फिल्म में दिखाए गए आधुनिक जो है महिला और उसने प्राप्त किया था जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक और फिल्म फेयर नामांकन थे, जो मेघना गुलजार की जासूसी थ्रिलर मूवी राजी 2018 में रिलीज हुई थी, जो सहमत खान के रूप में अभिनय किया गया था। और एक कश्मीरी जासूस ने एक पाकिस्तान सेना अधिकारी से शादी की, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेट किए गए थे। और ये फिल्म हरिंदर सिक्का के उपन्यास पर जो है क्लिंग के साथ सहमत का एक रूपांतरण फिल्म है, जहाँ पे फर्स्ट पोस्ट के अन्ना MM वेडिकेट ने भट्ट को भूमिका में उद्भूत पाया और कहा था कि युवा सितारा एक बार फिर जो है कैमरे पर एक अनुभवी की परिपक्वता और आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करता है। और इसके अलावा सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला प्रधान वाली हिंदी फिल्म के रूप में राजी मूवी उभरी, और ये साबित हुई कि इसकी सफलता ने बॉक्स ऑफिस इंडिया को भट्ट को हिंदी सिनेमा की सबसे सफल और आपको बताया समकालीन अभिनेत्री के रूप में श्रेय दिया, जो उन्होंने फिल्म फेयर में एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनको दिया गया। यहाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट के बारे में और राजी मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर आप राजी फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो और इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। दोस्तों, 25 अगस्त 2017 को प्रमुख जो है गुरमीत राम रहीम सिंह और जिसके परिणाम स्वरूप जो है कर्फ्यू लगाया गया था इंडिया के अंदर, पंजाब का शेड्यूल पूरा करने के बाद राजी फिल्म की प्रोडक्शन टीम 17 सितंबर 2017 को 10 दिनों के शेड्यूल के लिए कश्मीर पहुंची, जहां वहां पे पहलगाम श्रीनगर के शिवपुरा और बडगाम जिले के उसके साथ जो है धुतपत्थीरे में फिल्मांकन किए गए थे। शूटिंग की अंतिम कार्यक्रम पंजाब में होना था, लेकिन गुरमीत राम रहीम सिंह की गिरफ्तारी के कारण हुई अशांति के कारण दिल्ली में पूरा किया गया, जो 27 अक्टूबर 2017 को फिल्मांकन समाप्त हो गया था। फिल्म के लिए वेशभूषा और इसके अलावा मैक्सिमा वसुधारा डिजाइन किए गए थे, जो जुलाई 2020 के दौरान जनता के लिए गुस्से और चर्चा के मार्गदर्शन के साथ माहौल के बीच सिक्का ने आरोप लगाया था। मेघना ने
उनकी अनुमति के बिना फिल्म का शीर्षक बदल दिया और उन्हें निर्देशक जो है धारा फिल्म का कट नहीं दिखाया गया जो अनुबंध का हिस्सा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गुलजार और उनके पिता ने फिल्म में पाकिस्तान समर्थक रुख अपनाया है और निर्माता जैन और जौहर ने उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया। इसके अलावा राजीव फिल्म का पहला पोस्टर 9 अप्रैल 2018 को फिल्म के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से जारी किया गया था जबकि फिल्म के ट्रेलर 10 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था यूट्यूब पे और ये फिल्म 11 मई 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिली। राजीव फिल्म के सार्वभौमिक के बारे में हम बात कर ले तो आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। फिल्म की समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटो जो फिल्म को 10 में से 8.2 की रेटिंग दी गई है। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इस मूवी की कहानी को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, फिल्म के बारे में काफी रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे, मूवी को कैसे शूट किया गया था और फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। उस प्रस्तावर बातचीत भी विफल हो गई तो मेघना ने फैसला किया कि उनका कालिंग और कालिंग सहमत के साथ जो है एक मार्क और साथी संबंध है और यह देखते हुए कि उनके साथ जो है सिक्का ने और अपने पिता गुलजार से वह जो है फिल्म रूफा तरन को निर्देशित करने के लिए संपर्क किया जाना था और जब वह जो है उपन्यास जारी किया गया था तो उन्होंने पिछली और साथी बैठकों के दौरान जो है यानी कि उनके साथ उत्पादन पर चर्चा करते हुए सिक्का के साथ जो है यानी कि तालमेल और उनके साथ जो है विकसित की थी और उनके साथ जो है लेखक से कहा था कि फिल्म अनुकूल ने अब फिल्म अनुकूल के लिए फिर से जो है यानी कि सहानी से संपर्क करे और वार्ता सफल रही और दिसंबर 2016 में मेघना ने अपनी अगली फिल्म के रूप में इसी परियोजना की घोषणा की थी और मेघना को कहानी के लिए आकर्षित किया गया था क्योंकि यह एक यानी कि साधारण लड़के की असाधारण और उपलब्धि फिल्म थी और सीने और साथ ही उनके साजन की थपथपाते हुए पाकिस्तान विरोधी और भारत समर्थन युद्ध समर्थन और नारेबाजी नहीं थी और यह एक सच्चा खाता होने के कारण फिल्म यानी कि बनाया गया था और फिल्म बनता है और बहुत अधिक यानी कि शक्तिशाली उन्होंने निर्माण के दौरान और ये यानी कि यथासंभव और कहानी के प्रति सच्चे बने रहने की कोशिश भी की थी। ये कहानी जो है एक सच्ची आधारित है और सच्ची एक रियल लाइफ के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था राजीव फिल्म को, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम राजीव मूवी से जुड़ी कुछ ऐसे अनसुनी फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी अभी यूट्यूब पर किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया है। वैसे हम भी इस मूवीज़ के बारे में कुछ भी कोई भी अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे मूवी अपलोड करना मना है। हम सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकते हैं, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बतला सकते हैं। उसके बाद 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि से शेट की गई थी लेकिन इसमें जो है अन्य फिल्मों की विपरीत एक्शन दृश्य नहीं थे क्योंकि कहानी युद्ध की शुरुआत की ओर ले जाना है और वास्तविक जीवन और साथ ही संघर्ष की मेघना ने अपने परिवार के सदस्यों से युद्ध की कहानी सुनी थी और जिनका जन्म युद्ध और साथ ही समाप्त होने के बाद हुआ था और उसने महसूस किया कि यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह फिल्म जो है यानी बनाने के लिए प्रेरित किया गया था क्योंकि कहानी वर्तमान समय में महत्वपूर्ण हो जाता है और जब पड़ोसी देशों के गैर महत्वपूर्ण संबंध है तो मेघना ने कहा कि मानव और साथ ही तत्व इसे जो है कलातीत बनाते हैं। पाकिस्तान में मेरे पिता के दोस्तों से मैं जो है यानी कि समझता हूँ कि लाइनें और साथ ही कागज पर है और राजनीतिक रूप से सामने आई है लेकिन दिन के अंत में हम अपने यानी कपड़ों और साथ ही व्यंजनों और उनके साथ संस्कृति में जो यानी कि सामने है। दिसंबर 2016 में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आलिया भट्ट को फिल्म में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी और एक खबर जिसकी पुष्टि अप्रैल 2017 में हुई थी। करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन अप्रैल 2017 में जंगली पिक्चर्स के साथ जो फिल्म का सह निर्माण करने के लिए बोर्ड पर आया था और विक्की कौशल की कास्टिंग की आधिकारिक तौर तरीका यानी कि उनके आधिकारिक तौर पर जो है जून 2017 में घोषणा ये की गई थी
और ये जितनी भी घोषणा हुई थी वो सब के सब सच निकली, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन एंड जंगली पिक्चर्स के बैनर के तहत इस मूवीज को बनाया गया है। और इस फिल्म में आलिया भट्ट ने अभिनय की है लीड लेडी के तौर पे। मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट इस वीडियो में हम बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बन रहिएगा। और वीडियो में आप लोग को मज़ा आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग राजी फिल्म को देखे हुए हैं तो इस मूवी को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। राजी फिल्म की फिल्मांकन प्रक्रिया जुलाई 2017 में शुरू हुई और मुंबई में होने वाला पहला शेड्यूल अगस्त 2017 के माध्यम तक जो है पूरा हो गया था। मूल रूप से राजी फिल्म का पहला शेड्यूल कश्मीर में आयोजित किया जाना था, लेकिन घाटी में इसकी जो है यानी कि अशांति की स्थिति के कारण निर्माताओं ने शूटिंग स्थान इस मूवी की रोक दी थी। इस फिल्म की पहली शूटिंग जो है उनको कश्मीर में करना था, लेकिन निर्माता इसके यानी कि अशांति की स्थिति के कारण निर्माताओं ने शूटिंग स्थान को मुंबई में स्थानांतरित करने का फैसला किया, जहां सभी उनके साथ जो है इंडोर दृश्यों को फिल्म सिटी के अंदर बनाए गए सेट पर जो है फिल्माया गया था। और फिल्म का दूसरा शेड्यूल उनके साथ जो है पंजाब में हुआ था, जहाँ अगस्त और साथ ही सितम्बर 2017 के दौरान पटियाला और साथ ही मलेरकोटला में फिल्मांकन किया गया था। 25 अगस्त 2017 को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और साथ ही गुरमीत राम रहीम सिंह को जो है दोषी ठहराए जाने के बाद उनके साथ जो है भटकी हिंसा और इसके परिणाम स्वरूप उनके साथ जो है लगाए गए और साथ ही कर्फ्यू के कारण जो है पटियाला में शूटिंग कुछ दिनों के लिए रुकी हुई थी। पंजाब शेड्यूल पूरा करने के बाद राजी मूवी की प्रोडक्शन टीम 17 सितंबर 2017 को 10 दिनों के शेड्यूल के लिए कश्मीर पहुंची थी, जहां उनके साथ जो है पहला गम श्रीनगर के शिवपोरा और उनके साथ जो यानी कि उनके साथ बडगाम जिले के उनके साथ दूधपति में हुई थी। फिल्म अंकन किया गया था, शूटिंग का अंतिम कार्यक्रम पंजाब में होना था, लेकिन उनके साथ जो है गुरमीत राम रहीम सिंह की गिरफ्तारी के कारण हुई और अशांति के कारण जो है दिल्ली में पूरा किया गया था। फिल्म अंकन 27 अक्टूबर 2017 को समाप्त हो गई थी और फिल्म के लिए वेशभूषा और साथ ही मैक्सिमा बासुधारा डिजाइन की गई थी और मूवीज को रिलीज किया गया 2018 तक। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं राजी मूवी को। इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसे अनसुनी फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवीज़ के बारे में हम काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं, तो हमसे कहीं कहीं मिस्टेक हो जा रहा है हिंदी बोलने में। आई होप कि आप लोग इस गलती को माफ़ कर दोगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। आप देख रहे हैं वीडियो 2 घंटे से ऊपर का वीडियो है। दोस्तों एक मूवीज़ को रिव्यू करने में हमें कई दिन लग जाते हैं, 2 से 3 दिन लग जाते हैं, उसके बाद जाके एक मूवी की इन्फॉर्मेशन को हम इकट्ठा कर पाते हैं। अब जुलाई 2020 के दौरान जनता के गुस्से और चर्चा के गर्म यानी कि माहौल के बीच सिक्का ने आरोप लगाया कि मेघना ने उनकी अनुमानित के बिना फिल्म का शीर्षक बदल दिया था और उन्हें फिल्म के निर्देशक का कट नहीं दिखाया गया था जो कि अनुबंध का हिस्सा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गुलजार और उनके पिता ने फिल्म में पाकिस्तान समर्थन और रुख यानी कि अपनाया और निर्माता जैन और साथ ही करण जौहर ने उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया था और फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर शंकर एहसान लोयधारा जो है इस फिल्म के गाने को तैयार किए थे। एहसान लोयधारा रचित है जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं और फिल्म में दिखाए गए गाने और साथ ही अरिजीत सिंह हर्षदीप कौर विभा शराफ और शंकर यानी कि महादेवन और सुनिधि चौहान ने गाए हैं। सुनिधि चौहान द्वारा गाए गए गाने हैं और वतन महिला गीत में अल्लामा और उनके साथ जो है इकबाल की दुआ लपे आती है दुआ के बोल भी शामिल है जो कि स्कूली और साथ ही उनके साथ जो इनकी सभाओं के दौरान पाकिस्तान की राष्ट्रीय और साथ ही प्रार्थना है। साउंड एडिट को उनके साथ आधिकारिक तौर पर 18 अप्रैल 2018 को जी म्यूजिक कंपनी द्वारा जारी किया गया था। द हिंदू के उनके साथ जो है बिपिन नायर ने इस साउंड एडिट को 4.5 की रेटिंग दिए हैं और उन्होंने कहा कि यह एक साउंड एडिट का रतन है और काश साउंड एडिट लंबा होता।
द टाइम्स ऑफ इंडिया के उनके साथ जो यानी कि द्विभारती सेन ने अपनी समीक्षा में ये भी कहा कि एल्बम निश्चिंत रूप से लूप पर जो है यानी कि सुना जाने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि यह संगीत प्रेमियों और साथ ही गुलजार के प्रशंसकों के लिए ज़रूरी है और इस फिल्म के जितने भी गाने थे दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किए थे। और अगर आप आलिया भट्ट के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों अब इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बातें करेंगे। सो फ्रेंड आप इस मूवीज़ को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने राजी फिल्म को देखा है तो आप मुझे कमेंट में इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग को बता सकते हैं। आपका दिल में जो भी रिव्यू रेटिंग है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। राजी फिल्म का पहला पोस्टर 9 अप्रैल 2018 को रिलीज हुआ था। उसके अपर इसकी जो पोस्टर थी ना उसकी पोस्टर में फिल्म के अधिकारी यानी कि ट्विटर हैंडल के माध्यम से जारी किया गया था, जबकि फिल्म का ट्रेलर जो है 10 अप्रैल 2018 को लॉन्च किए गए थे और यह फिल्म 11 मई 2018 को रिलीज हुई थी। राजी फिल्म के साथ ही सर्वभौमिक और साथ ही आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है और फिल्म को वर्तमान में 8.2 की IMDb रेटिंग मिला हुआ है। 8.2 की औसत से रेटिंग के साथ जो है आर्ट और साथ ही समीक्षकों से आधार पर समीक्षा एग्री ग्रेटर और साथ ही वेबसाइट रेटन टमांडोज पर 100 की रेटिंग प्राप्त हुई है इस फिल्म को। अब फिल्म के फर्स्ट पोस्ट के अन्ना MM और साथ ही विटी कार्ट ने फिल्म को एक यानी कि हृदय विदारक का एक यानी कि जासूसी नाटक करार दिया है। इसे जो है 5 में से 4.5 स्टार देते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं और जिसमें कहा गया है कि राजी स्पाई और साथ ही थ्रिलर और शैली को जो है यानी कि विस्फोटों के बजाय भावनाओं के साथ जो है फिर से लिखा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वाट्स ने आलिया भट्ट के प्रदर्शन की प्रशंसा की है और फिल्म को रेटिंग दी है 5 में से 4 और यह कहते हुए कि राजी एक यानी कि समझदारी से लिखी गई और उनके साथ जो है बारीकी अभिनय वाली फिल्म है जो कि असाधारण लोगों के सामान्य जीवन को करीब से जो है देखती है। याद नहीं करना चाहिए द इंडियन एक्सप्रेस की शालिनी लैंगर ने निर्देशक मेघना गुलजार की प्रशंसा नहीं की और राजी फिल्म को साथ ही भाषावाद का छाती और पीटने वाला तमाशा बनाने की अनुमति देते हुए और फिल्म को 5 में से 3.5 की रेटिंग देते हुए कहा कि ऐसे समय में जब यानी कि नफरत और गुस्सा उनके साथ जो उपमहाद्वीप की मुद्रा और राजी जैसी फिल्म बनाने की ज़रूरत है। साथ ही डेली न्यूज एंड एनालिसिस की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी। 4 की रेटिंग देते हुए इन्होंने कहा कि आलिया भट्ट विक्की कौशल स्टारर आपका जो है दिमाग उड़ा देंगे। Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने इस फिल्म की सराहना की और फिल्म के अभिनय प्रदर्शन शंकर और एहसान के साथ जो है एहसान लोहधारा रचित इसका संगीत छायांकन और ए यानी कि संपादक के साथ जो है और फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग देते हुए कहा कि राजी मूवी एक यानी कि दुर्लभ और साथ ही व्यस्त फिल्म है। यह तीव्र और साथ ही तेज तरार यानी कि चतुर गहरा उदास और साथ ही गीतात्मक हार्दिक और उनके साथ जो है यानी कि प्रसंगीत और उनके साथ जो है कमतर है। न्यूज 18 के राजीव मंसद ने फिल्म को 3.5 की रेटिंग दी है और आलिया भट्ट को राजी का उनके साथ यानी कि धड़कता हुआ दिल कहा और कहा यह फिल्म इसलिए भी प्रशंसनीय है क्योंकि यह एक यानी कि मापी गई और साथ ही ज़्यादातर जो है बुद्धिमान थ्रिलर फिल्म है जो कि हमें जोड़ तोड़ करने वाले पृष्ठभूमि संगीत या उत्तेजक यानी कि उत्तेजक और साथ ही संवाद के बिना देशभक्ति और सम्मानित की गई है। साथ ही अवधारणाओं पर उनके साथ विचार करने के लिए कहती है और बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 3.5 की रेटिंग दी है और 5 का यहां का उनके साथ जो है उनके साथ राजी फिल्म की दिलचस्पी और साथ ही थ्रिलर मूवी है जिसे जो है मेघना गुलजार द्वारा शानदार ढंग से जो है सुनाया गया है जो कि उनके साथ परिपक्व और देखने के लिए बनता है। यह एक ऐसी फिल्म है जो कि राष्ट्रवाद का जश्न मनाती है जो कि धर्म के रंगों से रहित है। इंडिया टुडे की सुहानी सिंह ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दिए है और जिसमें कहा गया था कि आलिया भट्ट ने मेघना गुलजार की जासूसी थ्रिलर में सो चुरा लिए हैं। दोस्तों मूवी पे जो है कई सारे इल्जाम लगे थे लेकिन ये मूवी रिलीज हुई और मूवीज़ के बारे में ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी की
रिव्यू रेटिंग के बारे में बातें कर रहे हैं। और राजीव फिल्म को अगर आप लोग यूट्यूब पे अभी देखना चाहते हैं तो ये मूवी किसी भी कंपनी ने अपलोड ही नहीं किया है। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी की रिव्यू को लेके हाजिर हुए हैं और इस मूवी को फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं। उसके बाद एक नकारात्मक समीक्षा में द हिंदू के किनीत सोनी किनीत यानी कि रोसारियो ने टिप्पणी की कि राजीव मूवी की बहुत कुछ चल रहा है फिर भी नबी नतम की मारी कहती है कि नबी नतम की भारी कमी है और साथ ही चाहे वह फिल्म की साजिश संदेश या आलिया भट्ट की रोने की क्षमता हो। और NDTV की राजा सेन ने इस फिल्म को दिया फिल्म को 5 में से 3 की रेटिंग दी और मिली है और जिसमें जो है कहा गया है कि मेघना गुलजार की जासूसी फिल्म में पसंद करने के लिए बहुत कुछ छुपी हुई है लेकिन आलिया भट्ट ने राजीव फिल्म को गंभीरता से लेना मुश्किल बना दिया है। scroll.in की नंदिनी रामनाथ ने कहा है कि आलिया भट्ट एक यानी कि उलझी हुई और साथ ही असंभव जासूसी थ्रिलर में चमकती है। अब बॉक्स ऑफिस के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। राजीव फिल्म को 2018 की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी थी। तनु वर्ष मनु रिटर्न्स के बाद जो है यह भारत में एक महिला प्रधान धारा जो है यानी कि संचालित मूवी 100 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई थी। इस फिल्म ने भारत में 158 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और साथ ही बद्रीनाथ की दुल्हनिया को पीछे छोड़ते हुए आलिया भट्ट के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी थी। राजीव मूवी ने दुनिया भर में कुल 2.7 बिलियन से अधिक की कमाई की है जो यूएसए में कन्वर्ट किया तो 27 मिलियन से अधिक की इस फिल्म ने कमाई किया हुआ है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसकी कहानी किस तरह से लिखी गई थी इसके बारे में अब हम बात करते हैं और फिल्म की मेन कहानी क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। दोस्तों ये कहानी एक देशभक्त के ऊपर बनाया गया है और राजीव फिल्म के बारे में आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम दे रहे हैं। अगर आप लोग को पूरी तरह से मूवी समझना है तो ये फिल्म आपको देखना होगा, उसके बाद ही आप जो है इस फिल्म को पूरी तरह से समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम इस मूवी की रिव्यू कर रहे हैं और इस मूवी की नेगेटिव एंड पॉजिटिव बातों को बतला रहे हैं। भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट और जनरल निखिल बख्शी ने उनके साथ जो है आईएनएस के विराट पर जो है इनकी सवार भारतीय सैनिकों के एक समूह को संबोधित करते हुए पाकिस्तान में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड उनके साथ जो है एनालिसिस विंग रॉ के अंडरकवर और एजेंट के रूप में सेवा करते हुए एक महिला के कारनामों का विवरण देते हुए हैं। यानी कि जब इस फिल्म की कहानी शुरू होती है तो भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल निखिल यानी कि बख्शी के साथ होता है जो कि कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से अब पाकिस्तान के युद्ध से जो है पहले की घटनाओं पर वापस आती है और साथ ही जो है यानी कि हिदायत खान और एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी और उनके साथ एजेंट है जो कि पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जो है भारत सरकार के लिए एक मुखबिर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह अपनी 20 वर्षीय बेटी और साथ ही उनके साथ सहमत को एक यानी एजेंट बनाना चाहते हैं और उनके साथ फेफड़ों के कैंसर से अपनी और साथ ही आसन्न मृत्यु से पहले देश की सेवा में रहने की परिवारिक और साथ ही उनके साथ जो है परंपरा को जारी रखना चाहते हैं और सहमत तैयार हो जाती है और इसलिए उसे जो है यानी कि वरिष्ठ रा और साथ ही उनके साथ अधिकारी खालिद मीर और उसके सहायक एक युवा बख्शी धारा जो है प्रशिक्षित किया जाता है और खान ने पाकिस्तानी सेना के साथ ही ब्रिगेडियर और परवेज़ सैयद के साथ जो है अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करते हुए सहमत को अपने छोटे बेटे इकबाल सैयद से शादी करने के लिए इस्तेमाल किया जो कि एक अन्य सैन्य अधिकारी था और पाकिस्तान में प्रवास के बाद जो है सहमत अपने और साथ ही विवाहित जीवन में बस जाती है। एक नए देश में वह जो है यानी कि समायोजित हो जाती है और अपने ससुराल वालों का विश्वास स्थापित करती है। साथ ही ब्रिगेडियर सैयद को मेजर जनरल के रूप में उनके साथ जो है पदोन्नत किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण उनके साथ दस्तावेज और देश के रक्षा बलों के सदस्य उसके घर से जो है गुजरते हुए सहमत भारत में अपने उनके साथ संचालकों के साथ जो यानी कि संचार चैनल स्थापित करता है और उनके साथ जो सूचनाओं को प्रसारित करना शुरू करता है।
इसी बीच इसे जो यानी कि इकबाल से प्यार हो जाता है और वह अपनी शादी को पूरा कर लेती है और सहमत भारत के खिलाफ एक यानी कि अकार रमक यानी कि एक उनके साथ जो है अकरा कमक की योजना से संबंधित जानकारी को देखता है और इसे जो है यानी कि पैरेड करने हुए और सक्षम है नौकरों में से एक अब्दुल और उसके बारे में सच्चाई का पता लगा लेता है और सहमत उसे अपने कवर को उजागर करने से बचने के लिए एक कार से नीचे गिरा देती है और घटना उस पर जो है भारी भावनात्मक टोल लेती है। सूचना भारतीय और साथ ही बिनाम वाहक पोत और साथ ही उनके साथ जो है INC विक्रांत पर जो है उनके साथ सुनियोजित हमले की ओर इशारा करती है जिसे तब बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया था और सहमत इकबाल के बड़े सैन्य अधिकारी भाई महबूब सैयद को शक होने पर अनिश्चित हो जाता है उनको जो है शक होना शुरू हो जाता है और शक से मार देता है। वह महबूब की पत्नी उनके साथ मुनीरा के विधवा होने से व्याकुल है और उसे पुलिस पूछताछ से बचाती है। वह अंततः इकबाल द्वारा एक जासूस के रूप में खोजी जाती है जो कि रहस्य उद्घाटन से दुखी है। वह उसका सामना करता है लेकिन एक यानी कि ग्रेनेड से जो है मर जाता है और फिर जो यानी कि मीर की टीम एक यानी कि सदस्य ने उन्हें जो है सहमत को मारने के लिए ग्रेनेड फेंका था और उसे पकड़ा जाना चाहिए था और साथ ही सहमत जिंदा है और जिस महिला ने इकबाल का सामना करना पड़ा था वह जो है वह वास्तव में एक और यानी कि बुरका पहने और एजेंट थी जिसने जो है यानी कि स्विच किया था। दोस्तों मूवी में जो है काफ़ी सारे जासूस चीज़ को दिखाया गया यानी कि जासूस इस फिल्म में काफ़ी सारे जासूसों को दिखाए गए थे और मूवी की कहानी एक अलग कहानी है और राजीव फिल्म जो है अपने वक्त में काफ़ी पॉपुलरिटी हासिल किए थे और साल की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसमें लीड लेडी आलिया भट्ट ने ही सिर्फ अभिनय किए हैं तो मूवी की बजट जो है काफ़ी ज़्यादा कम थी और फिर भी मूवी जो है अपने बजट को रिकवर कर पाया था। वास्तव में एक और बुरका पहना हुआ एजेंट था और जिसने सहमत के साथ स्थान बदल लिया और सहमत के साथ वो भी भाग गई और इकबाल के साथ जो है ग्रेनेड से मर गया था और अपने पति की मौत से यानी कि सद्बोध और इसी तथ्य से यानी कि उनके साथ जो है इसी तथ्य से कि मीर उसे जो है मारने के लिए तैयार था और सहमत को इसी काम की लाइन ने जो है उनके रिश्तों और साथ ही मानवता के उनके साथ महत्व को एहसास होता है कि अपने हाथ से एक परिवार के विनाश से यानी कि टूट कर वह जो है भारत लौट आती है और पता चलता है कि वह इकबाल के बच्चे के साथ गर्भवती है। वह बच्चे को रखने का फैसला करती है। सहमत के साथी निष्कर्षों ने साथ और उनके साथ जो है आई एन एस की राजपूत और साथी विशाखापत्तनम के उनके साथ जो है तोश से पाकिस्तानी और साथी पनडुब्बी के उनके साथ जो है PNS की गाजी को डूबे यानी कि डुबो देते हैं। उसी साथ जो है यानी कि अधिकारियों के बीच जो है सहमत के बेटे समर सैयद के साथ जो है निखिल बख्शी ने अपना भाषण समाप्त किया और इसी बीच एक यानी कि ब्रिज सहमत और अपनी कुर्सी पर बैठे हुए और बीच में अपने घर की यानी कि खिड़की से बाहर घूरते हुए दिखाई दे रहे हैं और मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इससे ज़्यादा आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता, आपको जो है ये मूवी देखना होगा उसके बाद ही इस फिल्म को आप जो है पूरी तरह से समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं राजीव मूवी को, मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अब थोड़ा सा बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, मेघना गुलजार मैम के बारे में कुछ बातों को हम बतलाते हैं। सबसे पहले कि जिनके बारे में हम बातें करते हैं, 13 दिसंबर 1973 में इनका जन्म हुआ था और इनकी एज जो है 48 साल की हो चुकी है और इनके बारे में कुछ बातें अब हम आप लोगों को बतलाते हैं कि इन्होंने अब तक अपने करियर में कितनी फिल्मों को बनाई हुई है। मेघना अपने पिता की ओर से 99 के निर्देशन में बनी फिल्म यानी कि हुतुतु के साथ जो है एक उनके साथ पटकथा लेखक के रूप में शुरुआत करने के बाद मेघना ने अपनी पहली फिल्म जो है नाटक और साथ ही फिलहाल मूवी 2002 का निर्देशन इन्होंने किया था। हालांकि उस दशक में निर्देशक में उनके साथ जो है सफलता नहीं मिली थी। 8 साल के विश्राम के बाद उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित यानी कि तलवार 2015 का निर्देशन किया था जिसने जो है बॉक्स ऑफिस पे खराब प्रदर्शन के बावजूद भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नामांकन दिलाया था। सर्वश्रेष्ठ यानी कि निर्देशक का नामांकन मिला और उनका पहला निर्देशन जो यानी कि लाभदायक और उद्यम मूवी 2018 में आया था जब उन्होंने देशभक्ति थ्रिलर राजीव मूवी का निर्देशन किया
जो कि सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक के रूप में उभरी। उन्होंने उसी में अपने जो है काम के लिए फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। इसने जो है उन्हें एक निर्देशक के रूप में स्थापित किया और मेघना ने अगली जीवन और नाटक यानी कि छपाक फिल्म 2020 में अभिनय किए हैं। छपाक मूवी रिलीज हो चुकी है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस फिल्म को आप देखना उस फिल्म को भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और भी कई सारी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किए हैं और कई सारी फिल्मों को डायरेक्ट किए जो कि इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे। मेघना ने अपने लेखन करियर की शुरुआत टाइम्स ऑफ इंडिया और NFDC उनके साथ जो है प्रकाशन और साथ ही सिनेमा इन इंडिया के लिए एक स्वतंत्र लेखक के रूप में काम की थी। उनकी कविता और साथ ही पोएट्री और साथ ही सोसाइटी ऑफ इंडिया के एंथोलॉजी में उनके साथ प्रकाशित हुई थी। साथ ही समाज शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सईद और साथ ही अख्तर की मिर्जा के साथ जो सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। 1995 में उन्होंने 30 स्कूल ऑफ द यानी कि अटोस और साथ ही न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से उनके साथ जो फिल्म निर्माण में एक जो है लघु और साथ ही पाठ्यक्रम पूरा किया था। अपनी उनके साथ जो है वापसी पर वह जो है अपने पिता लेखक और साथ ही निर्देशक गुलजार के साथ जो उनकी फिल्मों में और साथ ही माचिस और हुतुतू में जो है सहायक के रूप में शामिल हुई थी। और मेघना ने एक साथ जो यानी कि दूरदर्शन के लिए साथ ही वृत्त चित्रों का निर्देशन करने और कई यानी कि संगीत एल्बमों के लिए जो है संगीत वीडियो के साथ जो है अपनी खुद की फिल्म की पटकथा शुरू की थी। मेघना ने 2002 में अपनी पहली फिल्म फिलहाल का निर्देशन किया जो कि उनके साथ जिसमें पूर्व और मिस यूनिवर्स अभिनेत्री बनी थी। साथ ही सुष्मिता सेन और तप्पू ने अभिनय किया था और उनकी दूसरी निर्देशित फिल्म 2007 में जस्ट यानी कि मैरिड मूवी थी। उन्होंने अमृता सिंह अभिनीत संजय गुप्ता के संकलन दोस्त यानी कि कहानियों के लिए एक लघु फिल्म और साथ ही पुरन मासी का भी निर्देशन किया था जो कि 2015 में मेघना ने तलवार का निर्देशन किया था जो कि विशाल भरद्वाज द्वारा लिखित की गई। और 2008 की उनके साथ नोएडा और साथ ही दोहरे और साथ ही हत्याकांड पर जो है आधारित ये मूवी थी। 2018 में उन्होंने थ्रिलर राजीव फिल्म का निर्देशन किया जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। ये मूवी जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के निर्मित और इसमें जो है आलिया भट्ट और विक्की कौशल ने अभिनय किए हैं। यह फिल्म हरिंदर सिक्का के उपन्यास कॉलिंग सहमत पर आधारित मूवी है। दुनिया भर में 93 करोड़ से अधिक की कमाई की जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक साबित हुई थी। तलवार और राजीव मूवी दोनों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामांकन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। और मेघना ने अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और निर्देशक के श्रेणी में 2 नामांकन प्राप्त किए हैं। राजीव सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीतने में सफल रही और मेघना ने इसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता। अपनी अगली निर्देश की और साथ ही अवधारणा के लिए मेघना ने एसिड अटैक यानी कि सरवा उनके साथ जो सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर एक बायोपिक बनाने का विकल्प चुना था जिसका नाम उन्होंने छपाक रखा जो कि अग्रवाल से प्रेरित एक एसिड अटैक यानी कि सवाइयर और उनके साथ जो है माल्टी के बारे में मूवी है। और फिल्म में दीपिका पादुकोण को माल्टी के रूप में दिखाया गया था और 10 जनवरी 2020 को रिलीज होने पर इसे जो है समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। वो अगली बार एक जीवनी फिल्म में जो है यानी कि सैन्य अधिकारी और साथ ही सैम साथ ही मनेक्षा के जीवन का नेतृत्व करेंगी और साथ ही कौशल को माने कशा के रूप में जो है अभिनीत करेंगी और रोनी स्क्रूल वालधारा निर्मित की जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं राजीव फिल्म को जिसे 2018 में रिलीज किया गया है और इस फिल्म से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। इस फिल्म में आलिया भट्ट एंड विक्की कौशल ने काम किए हैं तो विक्की कौशल के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद विस्तार में आलिया भट्ट की रियल लाइफ को भी इस वीडियो में हम बतलाएंगे। तो विक्की कौशल के इनके जन्म के बारे में हम बातें करते हैं, इनका जन्म 16 मई 1988 में हुआ था और इनका जो है 33 साल के ये हो चुके हैं। इन्होंने अब तक कई सारी फिल्मों में अभिनय किए हैं जो कि इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे। अगर आप विक्की कौशल के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। एक्शन एडवेंचर फिल्म यानी कि इनके नाम से जाने जाते हैं। एक्शन डायरेक्टर
एक्टर श्याम कौशल और उनके साथ जो है वीरा कौशल के घर में इनका जन्म हुआ था। विक्की कौशल ने राजीव गांधी और साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ के साथ ही टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और फिल्म में अपना करियर बनाने की इच्छा भी रखते हुए उन्होंने अपराध नाटक गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में सबसे पहले इन्होंने अभिनय किया था। ये फिल्म 2012 में अनुराग कश्यप की सहायता की और उनके साथ जो है कश्यप की दो औसाती प्रस्तुतियों में छोटी भूमिकाएं निभाई गई थी। उनकी पहली प्रमुख भूमिका स्वतंत्र नाटक समान 2015 में थी, जिसने उन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए इफ़ा और स्क्रीन अवार्ड दिलाया था। इसके बाद उन्होंने कश्यप के साथों मनोवैज्ञानिक थ्रिलर रमन राघवन 2.0 2016 में एक उनके साथ जो अनछुए पुलिस वाले के रूप में अभिनय इन्होंने किया था। साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और साथ ही सबसे ज़्यादा दोराजी और उनके साथ संजू में सहायक भूमिकाओं के साथ कौशल 2018 में प्रमुख से उभरे। बाद के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। उनकी 2018 की परियोजनाओं में साथ ही नेटफ्लिक्स की फिल्मों में और साथ ही लॉ पर यानी कि शक वायर फूट और साथ ही लस्ट स्टोरीज में अभिनय की है। अभिनीत और साथ ही भूमिकाएं भी शामिल थी और अगले वर्ष उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और साथ ही व्यावसायिक रूप से सफल एक्शन फिल्म उरी द और साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक दोनों में एक सैन्य अधिकारी की भूमिका इन्होंने निभाई है और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। दोस्तों, इनकी रियल लाइफ को इस वीडियो में हम बतला रहे हैं, अब तक इन्होंने कितने फिल्मों में अभिनय किया इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अब कौशल का जन्म 16 मई 1988 को मुंबई के एक उपनगरीय चाल में हुई थी। एक स्टंटमैन और बाद में हिंदी फिल्मों में एक्शन निर्देशक और बिना कौशल के घर में इनका जन्म हुआ था। उनके छोटे भाई सनी भी एक अभिनेता है। उनका परिवार पंजाबी हिंदू है और कौशल ने खुद को जो है एक नियमित बच्चे के रूप में वर्णित किया है, जो कि पढ़ने और साथ ही क्रिकेट खेलने और फिल्में देखने में रुचि रखता था। उनके माता पिता अपने बेटे के एक स्थिर और साथ ही करियर के लिए उत्सुक थे और इसी प्रकार यानी कौशल ने मुंबई के राजीव गांधी और साथ ही उनके साथ जो है प्रौद्योगिकी और संस्थान से जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही उनके साथ दूर संचार में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। एक आईटी कंपनी के उद्योग और साथ ही औद्योगिक दौरे के दौरान जो है उन्होंने महसूस किया कि एक कार्यक्रम की नौकरी उनके लिए अनुपयुक्त होगी और फिल्म में करियर बनाने की इच्छा रखने लगे थे। उन्होंने कुछ समय के लिए इंजीनियरिंग की नौकरी की थी और अपने पिता के साथ फिल्म के सेट पर जाने लगे थे। उन्होंने किशोर और नमित कपूर की एकेडमी में अभिनय किया था और अध्ययन किया था और दो भाग अपराध नाटक उनके साथ जो है गैंग्स ऑफ द वासेपुर 2012 में अनुराग कश्यप सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। साथ ही कौशल ने कश्यप के साथ जो है काम करने की यादगार किया था यादगार यादों का वर्णन किया है, जो कि जिन्हें जो है वह अपने गुरु मानते हैं और उन्होंने मानव कॉल के साथ जो है यानी कि लाल और साथ ही पेसिंग के निर्माण में अपनी पहली अभिनय नौकरी के साथ मंच पर जो है काम करना भी शुरू किया है। और फिल्म में कौशल ने कश्यप की प्रस्तुति लॉ शो से उनके साथ जो है चिकन खुराना 2012 और बॉम्बे वेलवेट 2015 और साथ ही प्रायोगिक लघु फिल्म गीत और साथ ही साउट 2013 में छोटी भूमिका इन्होंने निभाई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजीव मूवी को रिव्यू कर रहे हैं और अभी हम बातें करें विक्की कौशल के बारे में। सो अगर आप इनके फैन हैं और इनके मूवीज को आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राजीव मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं, तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राजीव मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं। कौशल ने नीरज और साथ ही घायवान धारा निर्देशित स्वतंत्र और साथ ही नाटक मशान फिल्म में काम किया था, जिसे 2015 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई और कौशल और साथ ही धयावान दोनों गैंग्स ऑफ वासेपुर में सहायक थे और राजकुमार राव के पीछे हटने के बाद जो है उन्हें फिल्म में लिया गया था। एक बेहतर जीवन के लिए तरस रहे थे और साथ ही निम्न सामाजिक जो है आर्थिक वर्ग के एक युवक की भूमिका निभाने के लिए कौशल ने साथ ही जो है
कि बनारस में समय बिताया जहां फिल्म की शूटिंग की गई है और स्थानीय पुरुषों के तौर तरीकों को देखा और फिल्म को 2015 के कांस फिल्म में जो है इनके फेस्टिवल में अंश और साथ ही जो है यानी कि शॉर्टर रिगार्ड और साथ ही सेगमेंट में प्रदर्शित किया गया था, जहाँ इसने जो है यानी कि फिर प्रेस और साथ ही पुरस्कार सहित 2 पुरस्कार जीते थे। सामने ने आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे जो है भारतीय सिनेमा में यानी कि बढ़े हुए और साथ ही यथार्थवाद का एक जो है प्रमुख उदाहरण माना था। उनके साथ जो यानी कि हबपोस्ट के निखिल तनेजा ने जो है कौशल के प्रदर्शन को साथ ही समर उनके साथ जो है यानी कि मर्मत सफर दी और साथ ही यादगार करार दिया है। और द हिंदू के अनुज कुमार ने लिखा कि वह जो यानी कि सहजता से ही भावना और साथ ही जति गट यानी कि करती है और उनके साथ जो यानी कि तोड़ने की दृष्टिकोण दोनों को व्यक्त करती है और उनके प्रदर्शन ने उन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष और साथ ही पदार्पण के लिए इफा अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड और अन्य प्रशंसाओं के साथ जो है सर्वश्रेष्ठ यानी कि नवागंतुक के लिए एशियाई फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। अब 2015 के साथ ही जो है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने उनके साथ जो है जुबान नाटक की रिलीज को चिन्हित किया था, जिसे कौशल ने समान से पहले साथ ही जो है फिल्माए थे और उनकी भूमिका एक शौक यानी कि संपत्त व्यक्ति की इस फिल्म में थी, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जो यानी कि हकलाना शुरू कर देता है। उन्होंने हकलाने के पैटर्न सीखने के लिए एक स्पीच और साथ ही यानी कि थेरेपिस्ट के साथ काम किया था और डॉक्टर के कुछ यानी कि रोगियों के साथ जो है समय भी बिताया और फिल्म पर जो है काम पूरा करने के बाद कौशल को चरित्र से दूरी बनाना मुश्किल लगा था और वास्तविक जीवन में उनके साथ जो है हकलाना शुरू कर दिया था। उनके प्रदर्शन ने उनके साथ जो यानी कि जस्टिन चांग अब तो उनके साथ वैरायटी को साथ ही जो है क्रिश माई और साथ ही स्वाभाविक रूप से जो है आकर्षक प्रतिभा के रूप में लेबल करने के लिए प्रेरित किया गया था। अब कैशफ की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मूवी रमन राघव, जिसे 2.0 2016 में कौशल ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा चित्रित किए गए एक यानी कि सीरियल किलर की खोज में जो है एक ड्रग आदि पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। परेशान और साथ ही उनके साथ जो है यानी कि असंतुलित यानी कि चरित्र में कौशल के अपने व्यक्तित्व के साथ जो है बहुत कम यानी कि समानता थी और कैशफ को उन्हें कास्ट करने के लिए मनाने के लिए वह जो है पाँच दिनों तक यानी कि एकांत में रहे थे, स्क्रिप्ट की पंक्तियों को दोहराते रहे और Rediff.com के लिए लिखते हुए कि उनके साथ जो है असीम और साथ ही यानी कि छबड़ा ने अपने प्रदर्शन को यानी कि बहादुर फाया था और कहा कि अगर रमन राघव 2.0 में एक बड़ा आश्चर्य है तो यह भी विक्की कौशल का स्टार इनके साथ जो है यानी कि मेकिंग ऑफ द प्रदर्शन है। साथ ही जुबान और रमन राघवन 2.0 दोनों यानी कि असफल रहे और बॉक्स ऑफिस और व्यावसायिक प्रदर्शन वर्क भी खोजे थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजीव मूवी को रिव्यू कर रहे हैं और इस फिल्म के स्टार कास्ट विक्की कौशल के बारे में इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं। दोस्तों, विक्की कौशल ने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किए हैं, इन सब चीज़ों की रिव्यू इस वीडियो में हम करके बता रहे हैं और इनको अब तक कितने फिल्मफेयर अवार्ड मिले इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं। अगर आप विक्की कौशल के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो में हम विक्की कौशल के रियल लाइफ को बतला रहे हैं। अब विक्की कौशल ने 2018 में अपनी सफलता हासिल तब की, उन्हें जो है पहली बार रोमांटिक कॉमेडी लव पर उनके साथ जो यानी कि शकवायर फूट भारत की पहली नेटफ्लिक्स मूल फिल्म में पुरुष प्रधान के रूप में इनको देखा गया था। अब इस फिल्म के फर्स्ट पोस्ट की श्वेता रामकृष्णा ने जो है कौशल और उनकी सह कलाकार यानी कि अंगिरा धर के बीच के केमिस्ट्री को फिल्म का मुख्य आकर्षण माना था। उन्होंने अगली बार जो है मेघना गुलजार की जासूसी थ्रिलर राजी फिल्म 2018 में अभिनय किया था, जो कि हरिंदर सिक्का के उपन्यास कलिंग सहमत पर आधारित मूवी है और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेट फिल्म जो है कश्मीर की एक युवा भारतीय लड़की आलिया
भट्ट धारा जो है अभिनीत की वास्तविक जीवन की कहानी बताती है, जो कि भारतीय खुफिया के लिए जासूसी करने के लिए एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी कौशल से शादी करती है। वह कहानी में मिली साथ ही मानवता के प्रति आकर्षित हुई और साथ ही उन्होंने अपने चरित्र में जो है यानी कि भेकता और साथ ही अधिकारी यानी कि ताकत दोनों को व्यक्त करने की कोशिश जो है करती है, व्यक्त करने की दिशा में काम किया। यह जो है फिल्म एक महिला नायक की साथ जो यानी कि विशेषता वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक के रूप में ये फिल्म उभरी थी। और डेली न्यूज एंड एनालिसिस की मीना अय्यर ने आलिया भट्ट के चरित्र के लिए सही और पनी होने के लिए कौशल की सराहना की थी। वर्ड्स की उनकी दूसरी नेटफ्लिक्स और साथ ही प्रोडक्शन एंथोलॉजी फिल्म लॉस्ट स्टोरीज थी और इसमें जो है महिला और साथ ही कामुकता से जो है संबंधित चार लघु फिल्में शामिल है। कौशल को करण जौहर के खंड में एक यानी कि नौ विवाहित व्यक्ति के रूप में देखा गया था, जो कि अपनी पत्नी कियारा आडवाणी द्वारा जो है अभी के यौन असंतोष को जो है पहचानने में विफल रहता है। कौशल की 2018 की सबसे उनके साथ जो है व्यावसायिक रूप से सफल रिलीज मूवी राजकुमार हिरानी की संजू के साथ थी। संजू के साथ आई थी, जो कि परेशान अभिनेता संजय दत्त की बायोपिक मूवी थी, जिसे जो है फिल्म में रणबीर कपूर ने चित्रित किया था। कौशल ने उनकी सबसे अच्छी दोस्त यानी कि कमली की भूमिका निभाई, जो कि संजय दत्त के विभिन्न वास्तविक जीवन के दोस्तों का एक जो यानी कि काल्पनिक और साथ ही उनके साथ जो है कि सम्मान था। तैयारी में उन्होंने परेशान और साथ ही उनके साथ जो है घलानी के साथ जो है समय बिताया था, जिन्होंने भूमिका के लिए प्रथमिक यानी कि प्रेरणा के रूप में काम किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने कौशल के काम को जो यानी कि फिल्म में बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना और इंडिया टुडे के उनके साथ जो यानी कि समृद्धि घोष ने लिखा है कि वह जो है रणबीर के शानदार प्रदर्शन के खिलाफ जो है अपनी उनके साथ जो है पकड़ रखते हैं और साथ ही मजाकिया और साथ ही भावनात्मक दृश्यों में चमकते हैं। राजी फिल्म और संजू दोनों ही 2018 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक साबित हुई थी और 5.79 बिलियन से अधिक की कमाई किया। यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 77 बिलियन से अधिक की कमाई की इस फिल्म ने और साथ ही बाद वाली भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई थी। वर्ष की अपनी अंतिम रिलीज में जो है कौशल ने कश्यप के साथ जो है यानी कि मनम जिया और साथ ही पंजाब में स्थापित एक जो है प्रेम त्रिकोण और साथ ही अभिषेक बच्चन और उनके साथ तापसी पन्नू की सह कलाकार के लिए फिर से जो है काम किया गया था। अनुपमा चोपड़ा ने इसी बात पर ध्यान दिया कि उन्होंने अपने चरित्र के दर्द और साथ ही इच्छा को व्यक्त करने के लिए मौन का कितना जो है अच्छा इस्तेमाल किया था और संजू के लिए कौशल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और साथ ही बधाई हो के लिए उनके साथ जो इनके गजराज राव के साथ जो है बधा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हम काफ़ी ऐसी बातों को बतला रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। न्यू इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में हम दे रहे हैं। राजीव मूवी से जुड़ी काफ़ी अनसनी फैक्ट को बता रहे हैं और विकी कौशल के बारे में भी इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं, जिन्होंने इस फिल्म में अभिनय किए हैं। विकी कौशल ने अपने करियर में कई सारे फिल्मों में अभिनय किए हैं और ये जो है आज के दौर में एक बड़े सुपरस्टार है। आप लोग को पता होगा विकी कौशल ने काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की थी और राजीव फिल्म में जिनके लिए इनको जो है एक अवार्ड भी इस फिल्म के लिए मिला था। अब 2019 में कौशल ने उरी में एक सैन्य अधिकारी के रूप में अभिनय किया था। द उनके साथ जो है सर्जिकल स्टाइल 2016 के और उनके साथ जो है उरी हमले पर जो है आधारित मूवी एक एक्शन फिल्म है। आदित्य धर धारा जो है निर्देशित और साथ ही सर्बिया में फिल्माई गई तैयार करने के लिए उन्होंने साथ ही जो है इनके मांसपेशियों का वजन बढ़ाया था, साथ ही कीटोजेनिक और साथ ही आहारा का अभ्यास किया था और 5 महीने के सैन्य और साथ ही प्रशिक्षण और उनके साथ जो है मिश्रित मसाला 8 सत्रों में जो है भाग लिया था और इसमें एक यानी कि एक्शन सीक्वेंस को जो है फिल्माते समय उन्होंने अपना हाथ घायल भी कर लिया था। मिंट के उदय भाटिया ने कौशल को एक यानी कि ढीठ और साथ ही नेतृत्व के रूप में पाया, लेकिन अपने चरित्र में वह जो है इनकी गहराई की कमी पर जो है शोक व्यक्त किया था। साथ ही राजीव
सांसद ने फिल्म के उनके साथ जो है यानी कि कट्टरवाद पर जो है ध्यान दिया और अंतिम में जो है यानी कि शीर्ष चरित्र और साथ ही चित्रण की आलोचना की थी, लेकिन कहा कि कौशल और साथ ही ब्लॉक ऑफ यानी कि शरीरता और भाग के लिए उनके साथ जो आवश्यकता उनके साथ जो है फौलादी दृढ़ यानी कि संकल्प दोनों लाता है। उरी ने भारत में 2.4 बिलियन से अधिक की कमाई की थी और यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 32 मिलियन से और साथ ही दुनिया भर में जो है 3.5 बिलियन से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया था, जो कि यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 46 मिलियन से अधिक की कमाई की थी, जिससे जो है यह घरेलू स्तर पर 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंधाधुन के लिए उनके साथ जो आयुष्मान खुराना के साथ साझा किया गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त भी किया था। एक साल बाद कौशल ने करण जौहर द्वारा निर्मित हॉरर फिल्म यानी कि भूत पार्ट 1 तो उनके साथ जो हंटेड शिप 2020 में अभिनय किया था। एक एक्शन सीक्वेंस के फिल्मांकन के दौरान उनके साथ एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था जब उनके गाले की हड्डी उनके जो है यानी कि गाल की हड्डी टूट गई और एनडीटीवी के सेवल चटर्जी ने कौशल को एक यानी कि भयानक और साथ ही उनके साथ जो है कि मिस फायर वाली फिल्म में बयान पाया था और बिकी ने सुजीत सरकार के सरदार उद्धम में जो है यानी कि सरदार और उद्धम सिंह की भूमिका निभाई, जो कि 16 अक्टूबर 2021 को जो है यानी कि अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। यह एक जो है क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सरदार उद्धम सिंह के जीवन पर आधारित मूवी है, जिसे बदला लेने के लिए लंदन में माइकल और साथ ही ओडायर की हत्या के लिए जाना जाता है। 1919 अमृतसर में उनके साथ जो है जलियांवाला बाग और साथ ही उता उनके साथ जो है यानी कि हत्याकांड फिल्म को यानी कि व्यापक और आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। विशेष रूप से एनडीटीवी के साइबल चटर्जी ने साथ ही उनके साथ जो है कौशल के प्रदर्शन पर इसे उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया है। अब फर्स्ट पोस्ट के सुभाष के झा ने एक ही राय साझा की है और कौशल का उद्धम सिंह एक यानी कि ऐसा प्रदर्शन है जो कि अनुग्रह से भरा हुआ है और साथ ही कड़वाहट से भरा हुआ है और एक यानी कि निष्कर्ष ये है कि यानी कि कोद धारा और साथ ही परिभाषित किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम राजी मूवी को रिव्यू कर रहे हैं और इस फिल्म से जुड़ी काफी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। दोस्तों राजी फिल्म अभी आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इस फिल्म को किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। कौशल ने 2021 में मासू और साथ ही उनके साथ जो है छिल्लर के मनुष्य छिल्लर के साथ जो है विजय कृष्ण आचार्य की पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा द ग्रेट इंडियन फैमिली पर शूटिंग पूरी की। वह जून 2022 में रिलीज होने वाली शशांक खेतान की कॉमेडी फिल्म गोविंदा नाम मेरा में शीर्षक भूमिका निभाते नजर आएंगे। अब दिसंबर 2021 तक उन्होंने निर्देशक लक्ष्मण खट्टेकर की अगली सह अभिनीत सारा अली खान के लिए जो है फिल्म मांकन शुरू किया गया था। अब विकी कौशल ने गुजरात के साथ जो है अपने दूसरे सहयोग की भी घोषणा की है। युद्ध नाटक और साथ ही सैम बहादुर जहां वह जो है यानी कि फील्ड मार्शल और साथ ही सैम पर जो है मनेक्शन के काम करेंगे। मनेकश की उनकी भूमिका निभाएंगे और विकी कौशल ने करण जौहर के ऐतिहासिक नाटक यानी कि तख्त में मुगल सम्राट और साथ ही औरंगजेब की भूमिका निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध किया गया है। इसमें जो है किरण कपूर आलिया भट्ट और उनके साथ जो है भूमि पेडनेकर जानवी कपूर और रणबीर सिंह सहित जो है कलाकारों की टुकड़ी है जो कि मार्च 2020 में रिलीज होने वाली मूवी थी, लेकिन कोविड-19 कारण इसमें जो है देरी हुई और साथ ही कोविड के कारण जो है अभी से लगता है 2022 में रिलीज किया जाएगा। वह आदित्य धर के साथ जो है पौराणिक और साथ ही सुपर हीरो फिल्म द इमोटन और साथ ही अश्वस्थामक में सारा अली खान के साथ जो यानी कि अस्थामा की भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है और यह रानी स्क्रू वालधारा साथ ही समर्पित एक यानी कि नियोजित मूवी होने वाली है।
अब कौशल ने जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया की 2018 की देश के सबसे वाचनीय पुरुष की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने 2019 में नवंबर नंबर 4 और साथ ही जो है 2020 में स्थान उनको मिला है। फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें 2018 की 30 अंडर 30 सूची में चित्रित किया। अगले वर्ष वह जो है पत्रिका की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई भी दिए हैं। 104.2 मिलियन और यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 1.4 मिलियन की अनुमानित यानी कि वार्षिक आयु के साथ जो है 72वें स्थान पर रहे हैं। विक्की कौशल और साथ ही हवेल्स यानी कि रिलायंस और साथ ही ट्रेंडर्स और उनके साथ जो है ओप्पो सहित जो है कई ब्रांडों को समर्पण करते हैं और उत्पादों का समर्थन करते हैं। साथ ही प्रति ब्रांड जो है 2 करोड़ लेते हैं और उनके साथ जो है कई सारे ब्रांड जो है जुड़ी हुई है। अप्रैल 2020 में कौशल ने भारत की कोविड-19 महामारी के कारण पीएम क्रेस फंड और साथ ही जो है यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में जो है 1 करोड़ का योगदान इन्होंने दिया था। विक्की कौशल ने डांसर और साथ ही हरलीन शेट्टी को डेट किया लेकिन 2019 की शुरुआत में उनसे अलग हो गए और उन्हें जो है 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान SY और साथ ही माधोपुर में फोर्ट और साथ ही बरवार के 6 यानी कि सेंस और साथ ही रिजॉर्ट में ब्रिटिश भारतीय अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। कैटरीना कैफ से शादी ये कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं राजी फिल्म को जिसे 2018 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। सो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं मेघना गुलजार मैम ने, जो आप लोग को पता है इन्होंने कई सारे फिल्मों को डायरेक्ट कर चुकी है और इस फिल्म के लिए इनको कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। अब बात करते हैं वर्टन के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी भवानी लयर मेघना गुलजार एंड मेघना गुलजार ने इस फिल्म की डायलॉग को भी लिखे हुए। इसकी कहानी जो है कलिंग सहमत बॉय और साथ ही हरिंदर सिक्का के ऊपर इसकी कहानी को लिखा गया है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर है विनीत जैन, करण जौहर, हीरो यश जौहर, अपूर्वा मेहता ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं और इस फिल्म में आपको आलिया भट्ट, विक्की कौशल मुख्य अभिनेता नज़र आए हैं और इस फिल्म के जितने भी म्यूजिक है वॉज हुए यानी कि शंकर एहसान लोए द्वारा तैयार किए हैं। जंगली पिक्चर एंड धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तहत इस मूवीज को बनाया गया है। 35 से 40 करोड़ खर्च हुए थे इस फिल्म को बनाने में और ये मूवी दुनिया भर में 197 करोड़ से अधिक की कमाई किया हुआ है। ये मूवी जो है भारतीय सेना के अधिकारी और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल निखिल बख्शी और साथ ही उनके साथ जो ISN और साथ ही विराट पर जो है सवार भारतीय सैनिकों के एक समूह को जो है संबोधित करते हुए पाकिस्तान में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च उनके साथ जो है एंड और साथ ही एनालिसिस बिंग रॉक के साथ जो है अंडरकवर एजेंट के रूप में सेवा करते हुए एक महिला के साथी कारनामों का विवरण देता है। कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले की घटनाओं पर आधारित वापस आती है। साथ ही हिदायत खान के एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी और एजेंट हैं जो कि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भारत सरकार के लिए एक मुखबिर के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। वह अपनी 20 वर्षीय बेटी सहमत को एक एजेंट बनाना चाहते हैं और साथ ही फेफड़ों के कैंसर से अपनी असंद्र मृत्यु से पहले देश की सेवा में रहने की पारिवारिक यानी कि परंपरा को जारी रखना भी चाहते हैं। सहमत तैयार हो जाती है इसीलिए उसे जो है यानी कि वरिष्ठ रॉ और साथ ही अधिकारी खालिद के साथ जो है यानी कि मीर और उसके सहायक यानी कि एकीवा बख्शी द्वारा जो है प्रशिक्षित किया जाता है और खान ने पाकिस्तानी सेना के यानी कि ब्रिगेडियर और साथ ही परवेज सैयद के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करते हुए सहमत को अपने छोटे बेटे इकबाल सैयद से शादी करने के लिए इस्तेमाल किया जो एक अन्य सैन्य अधिकारी था और पाकिस्तान में प्रवास के बाद जो यानी कि सहमत अपने विवाहित जीवन में बंध जाती है एक नए देश में शादी समायोजित हो जाती है और अपने ससुराल वालों के विश्वास स्थापित करती रहती है। ब्रिगेडियर सैयद को मेजर जनरल के रूप में साथ ही पदोन्नत किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण और साथ ही दस्तावेज और देश के रक्षा बलों के साथ जो है कि सदस्य और उसके घर में जो है कि गुजरते हैं। सहमत भारत में अपने संचालकों के साथ जो है कि संचार चैनल स्थापित करता है
और सूचनाओं को प्रसारित करना शुरू करता है। इसी बीच उसे जो है यानी कि एक बाल से प्यार हो जाता है और वह जो है कि अपनी शादी को पूरा कर लेती है। सहमत भारत के खिलाफ एक यानी कि आक्रामक की योजना से जो है संबंधित यानी कि जानकारी को खो देता है, जानकारी को देखता है और इसे जो यानी कि पारित करने में सक्षम होता है। नौकरों में से एक अब्दुल यानी कि उसके बारे में सच्चाई का पता लगाता है और सहमत से उसे अपनी यानी कि कवर को उजागर करने से बचने के लिए एक कार से नीचे गिरा देता है और घटना उसी पर जो है भारी भावनात्मक टोल लेती है और सूचना भारतीय और साथी विमान उनके साथ जो विमान वाहक पोत आ जाता है और उनके साथ INC के साथी विक्रांत पर सुनियो जीत हमले की ओर से उनके साथ इशारा करती है, जिसे जो है तब बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया था। अब सहमत इकबाल के बड़े सैन्य अधिकारी भाई महबूब सैयद को शक होने पर अनिच्छा होता है और साथ ही अनिच्छा से मार दिया जाता है। वह महबूब की पत्नी उनके साथ जो है मुनीरा के विधवा होने से वायुकुल है और साथ ही उसे जो है पुलिस पूछताछ से जो है बचाती है। वह अंततः इकबाल धारा एक यानी कि जासूस के रूप में खोजी करती है जो कि रहस्योद्घाटन से दुखी है और वह यानी कि उसका सामना भी करती है, लेकिन एक उनके साथ जो है ग्रेनेड से मर जाती है और उनके साथ जो है मीर के टीम के एक जो है सदस्य से सहमत हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफ़ी मज़ेदार है और मूवी भी काफ़ी बेहतरीन है। इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़ी काफ़ी ऐसे अनसुनी फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अब हम इस वीडियो में इंग्लिश में रिव्यू करेंगे और इस इंग्लिश में कुछ बातों को हम बतलाएंगे। फ्रेंड आप लोगों को पता है मैं दोनों भाषा में मूवीज़ को रिव्यू करता हूँ, पहले हिंदी में उसके बाद इंग्लिश में रिव्यू करता हूँ ताकि दोनों किस्म के लोग जो हमारे मूवीज़ को हमारे वीडियो को समझ सके। दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवीज़ की काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। फ्रेंड एक वीडियो को बनाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ता है तब जाके एक वीडियो कंप्लीट होता है। और आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी को फुल रिव्यू कर रहे हैं और इस वीडियो में काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बतला रहे हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम राजीव फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं और इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। राजीव फिल्म को 2018 में रिलीज किया गया था और इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातों को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं मेघना गुलजार मैम ने और इस फिल्म की कहानी भी मेघना गुलजार मैम ने ही लिखी हुई है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं विनीत जैन, करण जौहर, हीरो यश जौहर, अपूर्वा मेहता ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बातें करें तो आलिया भट्ट, एनपीकी कौशल ने इस फिल्म में अभिनय किए हैं। इस फिल्म को 11 मई 2018 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है AA फिल्म जी स्टूडियोज के बैनर के तहत। इस मूवीज को इंटरनेशनल मार्केटों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को 40 करोड़ के बजट में बनाया गया था और ये मूवी दुनिया भर में 197 करोड़ से अधिक की कमाई किया है। अब यहाँ से हम इस मूवी को इंग्लिश में रिव्यू करेंगे। राजी इज अ 2018 इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पेस थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार एंड प्रोड्यूसर बाय विनीत जैन, करण जौहर, हीरो यश जौहर एंड अपूर्वा मेहता। अंडर द बैनर ऑफ द जंगली पिक्चर एंड धर्मा प्रोडक्शन इट इज स्टार द आलिया भट्ट एंड फ्यूचरिस्ट विक्की कौशल एंड द रजित कपूर एंड शिशर शर्मा एंड द जयदीप अहलवा इन द सपोर्टिंग रोल। द फिल्म द अडेप्शन ऑफ द एंड द हिरेंदर सिका इज द 2008 द नोवल कलिंग द एनसहमत अ द एट्राई अकाउंट ऑफ इन द इंडियन द रिसर्च इन द एन एनालिसिस वांग द एन राव अगेन हु द एन अबोन हेयर द एन फादर इज द रिक्वेस्ट इज द एन मैरिड इंट्रो ऑफ द फैमिली ऑफ द एन मिलिट्री ऑफिशियल इन द पाकिस्तान टू द रैली इन्फॉर्मेशन टू द इंडियन द पीरियड टू द एन इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1971 एंड प्रिंसिपल photography of Rajiv movie began in July 2017 in Mumbai and the completed on 27 October 2017. It was shot the across the several location in including the in Patiala, Nava and the Nallerkota and the Doodpathri is the location.
द राजी मूवी वॉज द रिलीज ऑन 11 मई 2018 एंड मेड ऑन अ बजट ऑफ द 350 मिलियन एंड यू से कन्वर्ट टू द 4.6 मिलियन. राजीव वेंट ऑन टू द ग्रोस 1.96 बिलियन ऑन यू से कन्वर्ट टू द 26 मिलियन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एंड अर्नड एज द वन ऑफ द हाइगेस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म फ्यूचरिंग ऑफ द फीमेल इन द प्रोटोगोइन. इट इज द वॉस ऑल्सो द एंड क्रिटिकल सक्सेस विद द एंड मेघना इज डायरेक्शन एंड बट द इज परफॉर्मेंस इन रिसीविंग द प्राइज इन राजी मूवी रिसीव्ड द 15 नॉमिनेशन एट द एंड 24 द एंड फिल्म फेयर अवार्ड वेर इज द एंड 5 अवार्ड इन क्लाउडिंग बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द आलिया भट्ट. इंडियन आर्मी ऑफिसर द एंड लेफ्टिनेंट द जनरल निखिल बख्शी एंड ऑडिस और द ग्रुप ऑफ द इंडियन द एंड सोल्जर About is the INC the Virat the and detailing of the woman is the explosive the will the end service as the end the undercover agents of the end research and analysis wing the end Rao the Indian is the end external the intelligence the agency in the Pakistan the story the flashback to the event the end recording the end of the Pakistan war of 1971 in the Hidayat Khan is the Indian and freedom the fighter and the agent opposition is the informer for the Indian the government and against the Pakistani government he the watching to the make his the 20 years old the and daughter in Sahmat and the against in the and continue the family and the tradition of the begin in the end service to the end country before his the end the impeding death from the end long the end cancer the Sahmat is willing so she is the entrained by the and senior Rao officer Khalid Mr. Khalid Mir and his then assistant a young the Bakshi Khan uses his the friendship with the in Brigadier Parvez Syed of the Pakistani Army to get the and Sahmat the married to his the younger son Iqbal Syed and another the military officer after the in migration to in Pakistan the Sahmat and settle into here the married life the and adjusted to the new and country and established to the interest of fear in the law and the brigadier Syed is the end promoted to the major general with the result in the end a circle and document and members of the country is the end defense forces the end passing and draw his the house and Sahmat established the end communication in channels with here the end handles the back in India and start the end relying information the end man will see the end falls in love with the Iqbal and consummate here the end marriage. Sahmat obeys the information related to the end planning of in the end offensive the against India and is the able to the pass into one of the several Abdul the discovered the antidote about here the end Sahmat runs him down with car to the avoid the end explosive here the cough the end event takes the end heavy emotional toll on here the information point to the end planet the attack on the Indian the end aircraft and career I see the end Vikrant the end deployed into boy the Bengal and Sahmat the Henry culturally the kills in Mahbub Syed Iqbal elder army officer the end brother after he the end finds here in the suspense she is the end distraught about the end having in the we do wait the end miniature the end Mahbub is the wife and the siblings here the from and police the interrogation she is the end eventually and discovered as he the escape boy Iqbal who is the end the here in the heartbroken by the end revelation he the end confirmation here but the end is from the end grenade the end grains was the intro boy is the member of Mr. he the team to the kill the end Sahmat the sold CB and Chogot the Sahmat is the end Alip the end woman Iqbal the end confirmed was the end actual another the end Burka and Khalid the against who is the end switched the place with the end Sahmat and did by the end grenade the along with the end Iqbal the end socket boy here husband dead and the end fuck the mister was the willing to the kill here the
इन सहमत द रियलाइज द इनफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप इन द एंड होमेंटली इन हिज द एंड लाइन ऑफ वर्क द इन ब्रोकन बॉय द इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली बॉय हेयर हैंड सी एंड रिटर्न टू द इंडिया हिज द एंड डिस्कवर थेट इज इन प्रेगनेंट विद द इकबाल चिल सी द एंड डिसाइडेड टू द कीप इफ द चिल विद द इन सहमत इज द इन फाइंडिंग द एन आई एन इज द राजपूत द सिंह द इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इन सुम ब्रिज द पी एन इज द गाजी ऑफ द इन विशाखा फंड इज द एन कोच द एन निखिल बख्शी द एंड कनकुलेजेड द एन स्पीच विद द इन समर सैद एंड सहमत सोन एन अमाउंग द ऑफिसर द एन मनवील एंड द इन अगेन एन अगेडेड द एन सहमत सेन द एन सिटिंग हेयर द एन चेयर द एन स्टारिंग आउट ऑफ द एन विंडो ऑफ हेयर द हाउस इन द एन मिडिल ऑफ द एन मनवीर द मूवी इज द साइंस 2014 द प्रीति सहानी एन द प्राइज एन द प्रसिडेंट ऑफ द जंगली पिक्चर इज द वॉज द एन ट्राइंग टू द एंड एक यूर द फिल्म द राइट टू द एंड द हरिंदर इज द सिक्का हरिंदर इज सिक्का इज द 2008 द नोवल कलिंग सहमत विद द एंड डिटेल द एन ट्राई स्टोरी ऑफ इंडियन वुमेन सीक्रेट एजेंट द मैरिड टू द पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर टू द प्रोवाइड द एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव विद द एंड द कन्फो confidential the information the period to the India Pakistan war of 1971 during the production of the end Talwar 2015 she got the in touch with the and Meghna Gulzar and inquired if the she was the interested in the and direction film the and adaptation of the novel and Meghna agreed but was the informed a few months later the film don't the end materialize and in the February 2016 she was the end approached by the another producer to the adapt it February 2016 was the end approached by another producer to the end adapted the same the novel and see the end agree again the end thinking it is was the team in the surrender pit to the end offered to the same project the twist the and win talk on the third the end proposal also failed the throughout the end Meghna decided the end the Karmic the end connection with the Kaling Shahmat give the in Sika head the approached here the father Gulzar to the direct the film the and adaptation win the end Nibble was the relationship head the end Deep Blue prepared the end report with the Sika during and the previews the end meeting will the end discussing the production and told the end out the Author thread the end of project the Sahani against for the film and adaptation the entries were the successful in December 2016 Meghna announced the project is the next film and Meghna was the end drawn to the story as it is the was the an ordinary girl the extra drink feat is the was not the end chase the end in Tomping in the park through India and pro where the end slogan Ning in the beginning tried the in account max the in film the much more the powerful see the and try to the remind is the true to the story is the impossible during the production even though the in film was set the end backdrop of the India Pakistan war of the 1971 It is in the future action the and science the and unlike other film the under the and same the backdrop the science the story and leads to the end beginning of the war and not the and actual the and configured the and Meghna head the and heart stories of the and war from here the family member the and having been the born after the war was over see and felt it is the was the important in the and milestone in India history and was the end motivated to the make the film as the story is the important in and present times when the end nigger bring the encounters the heaven known the end cordial
रिलेशनशिप द एंड मेगना सेड द एंड हुमन द एलिमेंट्स द मैक्स इज द एंड टाइमलेस फ्रॉम माई फादर इज द इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान आई अंडरस्टैंड द एंड लाइन्स आर ऑन एंड पेपर इन द एंड ब्रॉड ऑफ द एंड पोलिटिकल बट द एंड ऑफ द डे इन वेयर द एंड सिमिलर इन और द इनक्लूसिड द एंड कंस्यूम इन द कैलकुलेचर एंड दिस एंड कल्चर इन द डिसम्बर 2016 इट इज वॉज द एंड बींग द एंड एस्पिलोक्रेट द आलिया भट हेड द एंड बीन द एंड ऑफरेड द लीड रोल इन द फिल्म अ न्यूज विद द एंड कन्फर्मेड टू बी एंट्राई इन अप्रैल 2017 करण जोहर द प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन एंड कम ऑन द बोर्ड टू द एंड प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस द फिल्म द अलॉन्ग विद द जंगली पिक्चर इन अप्रैल 2017 द एंड कॉस्टिंग ऑफ द विक्की कौशल वॉज द ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन जून 2017 The filming the process of Raji began in July 2017 and the first the and schedule with the took place in Mumbai was the warped of where the in mid-August 2017 originally the first the schedule of the Raji was the and supposed to be held in the in Kashmir but due to the in state of the unrested in the valley the and maker the and decided to the shift the and shooting location to the Mumbai where all the and indoor the screens where the and filmed at the and set the created the inside filmy city the second schedule of the film and took place in Punjab where the filming was the and been the and peer in the Pitalia Piti Ala and the and Malerkatia entering the August and September 2017. The shooting in the and Patiala was the installed for the few day due to the and violence threat the and the erupted after the and the convocation of the Dara Sach and show the chief the and Gurmeet Ram Rahim Singh on 25 August 2017 and the and curfew threat the and proceed as the and consequence of which after the completing the Punjab schedule to the production team of the Raji arrived in the in Kashmir on 17 September 2017 for 10 day and schedule where the filming was the done at the end Pahalgam Shivapura in the answering gar in the end Dudhpatri in the end Bhagam in district the and final schedule of the shooting was the end supposed to take place in the Punjab but was the completed in Delhi the instead due to the and arrested the and caused by the and Gurmeet Ram Rahim Singh the arrested the filming and came to the end 27 October 2017 the and amidst the and hated the and atom and the utmost pair of the public anger and decision during July 2020 in Sika the and alleged the and Meghna changed the and title of the film the without his the and prom in the end permission and was not and shown the end director cut of the film which was the part of the end contract he also the and alleged the Gulzar and the father took pro the Pakistani stand in the film and the end producer Jain and the Johar and attempted distri is this movie the music and background score of the film is the composed by Shankar Ehsan Loy will the lyrics the are the and painted by the Gulzar this song and featured in the film are the song by Arjit Singh and the Harshdeep Kaur and Vida Sharaf Shankar and the Mahadevan and Sunidhi Chauhan the song a Watan female also the end content the end lyrics of the end Allama Iqbal do you to the love pe aati hai dua thet is the end the national player of the Pakistan being offered during the school the end Asim bless the end sounded was the officially released on 18 April 2018 by the Zee Music Company the and Bipin the Nair of the Hindu and give the and sounded 4.5 rating and a stunning threat the end game of the sounded in the which the end sounded the where the and longer the fair longer the end times of India and the dove rotation in the hair review side the album is the end definitely on to be in heart on the loop the sea in further the and added the and must for the music the lover in the and Gulzar
द फर्स्ट पोस्टर ऑफ द राजी मूवी वॉज द रिलीज ऑन द 9 अप्रैल 2018 द एंट्राउ द ऑफिशियल द ट्विटर हैंडल ऑफ द फिल्म इन विल द इन थ्रिलर ऑफ द इन फिल्म द वॉज द इन लंचेड ऑन 10 अप्रैल 2018 द फिल्म वॉज द रिलीज ऑन द 11 मई 2018 राजी रिसीव्ड द इन अन इन अनिवर्सल द इन क्रिटिकल अक्लाइमेट द फिल्म द इन करंटली होल्डेज इज 100% रेटिंग इन द रिव्यू द इन एग्री greater website Rotten Tomatoes the based on the and get the and reviews with the and average the and rating of the 8.2.10 in the Anna MM the and veteran of the first post the and torment the film is the and hard the and stopping the and heartbroken and espion the and drama and give it is the 4.5 star out of the 5 the in times of India and rated the film 4 out of the 5 star and starting the Raji movie the and reread the and spare the thriller in general with the and emotion and stated of the and explosion in Rohit Wars of Hindustan Times the and praised Alia Bhatt the performance and give the film the rating of 4 out of 5 seeing the Raji is assemble the wedding and finally performed film takes the close and look at the end original the leaf and extraordinary people not to be and miss the end Silani Langor of the Times of Express the end praise director Meghna Gulzar for the not allowing the Raji movie become and cast the end Tom in thumping the in special ball of the in Jangusam and give the film in rating of 3.5 out of star saying Tate is the Times win and hated in the anger at the incurrency of the in subsequent the film like Raji needs to be and made the in Meena Liar of the Daily News and analysis give the film the rating of 4 out of 5 saying the in Alia Bhatt Vicky Kaushal star will blow and your mind the end Sukneya Verma of the end Radeep.com the appreciate the end acting performance of the film is the end music composed by the Shankar Ehsaan Loy the end cinematographer is the wash wheel with the end editing the end give the film rating of 4 out of 5 saying the Raji is the in reality it is the end intense the end repeating the end club dark shade the end lyric the end heartfeed the end reverted the end understated the end Rajiv Manshad of News 18 give the film rating of 3.5 star calling Alia Bhatt the end beating heart of the Raji and stated the film in the admirable also the because is the end muse rate the end mostly the intelligent thriller hit the end ask the youth the end considerate and the end conscious of the input rooting in the in honor without the in spoon feeding us with the in manipulative in background music the provocate the in dialogue Bollywood Hangama give the film the rating of 3.5 star out of the 5 saying the Raji is the interesting the thriller and the brilliant the end narrated by the in Meghna Gulzar thread the makers for the in major in viewing it is the film thread the in celebrities and the national list the end devote of the in colors of the end in the religion Sahani Singh from the India Today give the in film 2.5 star of 5 star starting Alia Bhatt the style the in swing in the in Meghna Gulzar spy thriller in the end negative review from the end Kenneth the end Rose Rio of the Hindu and commented the 3 is the lot and going for the Raji at the end 3 is the end Nogin lack of the in Nepali and whether is the in film is the plot the message or the in Alia Bhatt and ability to cry the Raja Sen of the NDTV give the film the rating of 3 out of 5 stars saying the end 3 is the load to the tech is the in Meghna Gulzar SP movie what Alia Bhatt the makes it is the end hard to the take the Raji and seriously and Nandini Ramnath of the in scroll in the inserted the Alia Bhatt the science in the end model and improbable speed in the thriller Raji movie the in image at the end are in the 10th highest grossing
10th highest grossing Hindi film of 2018 is The Vikram, the second film to end. Driving Boy is the female lead to the engrosses more than 100 crore and net in the India after if India after Tanu West Manu returned the film to engrossed and more than the 158 crore in India in emerging as the highest and highest grossing film for Alia Bhatt the surprising the and Badrinath ki Dulhania Raji has the engrossed total of the 2.7 billion on USA convert to 27 million and worldwide collection in the box office is the an average movie. The film star Alia Bhatt born into the and Bhatt family. She is the and daughter of the filmmaker Mahesh Bhatt and the actress Soni Razdan. After making her the and action acting debut is the child in the 1999 thriller Sangharsh movie She Player. She played her the first leading role in the Karan Johar then the Dharma production is the and student of the year in this the movie. The Alia Bhatt life career. Alia Bhatt was the born on 15 March 1993 in Bombay the present day Mumbai in into the Alia Bhatt family to the in India film director Mahesh Bhatt and actress Soni Razdan. Here the father is of the and Gujarati is the descent and here the mother is of the Kashmir Pandit and the Garma in the ancestry she the holder the British citizenship she has the elder sister elder sister Shaheen and two help the and sibling Pooja and Rahul but actor Imran Hashmi and director Mohit Suri and here the end partner the coaching will the producer Mukesh but here the uncle what was the end educated at the end Jamnabhai Nursing School and describing here the children Alia Bhatt is the inside eye head and radar ground has the end modest end upgrading the identity get the end please you teach the people and using I world we got the end because I am Mahesh Bhatt daughter and growing of she did not the share in closed band with the father the in Rajdhan has the inside hit the end raised here the end children mostly as the end single parent his the hair husband did not take much the and interested in the children life the and but Alia Bhatt the and aspired to be in the actress from young is the his the insight that she and further realized the will the and rehearsing for the school and school choir in the and contract in the see the and so the begin the and dance the and lotion at the end she marked differ the and institute the hair first acting role was the end 5 in the hair father the production venture the Sangharsh movie 1999 in which the NC the in brief in the end briefly played the in younger version of Preeti Zinta character the and talking about here the and experience the Alia Bhatt later and said I don't remember much of the institute I world go to be stay only for the food in Alia Bhatt here Alia Bhatt had the first the leading role in 2012 with the Karan Johar and teen film student of the year the alongside Siddharth Malhotra Varun Dhawan see the end audition the alongside 500 goal was the audition and cast of the end losing the 16 kg she played the end sophisticated the and tennis a goal and involved in the love triangle the Anupama Chopra of Hindustan Times of the end main transition the end similarity the end between here the character the end Sania Singhania and the Karan and Kareena Kapoor is the Pooja Poo Sharma in the Johar Kabhi Khushi Kabhi Gham movie 2001 but the noted that the performance was the without the and killer the and attitude the end Lisa and the starring of the in Hollywood reported the end dismissing here the end without not the only is the inspired the movies this missed the critical response to the student of the air movie Alia Bhatt was the keen to the play the better role in following a year long the end of James from the screen the similar to third of the co-star the in Malhotra and Dhawan she is the and found is the end with the Imtiaz Ali and road film Highway 2014 in with the and started as the end lonely the end tingle goal with the end development the in stroke full the end
सेंड रूम आफ्टर द बिंग द एंड अबू क्रेडिट सी टूक द एंड डिस्कशन द एंड लूजन टू द एंड इम्प्रूव हेयर द हिंदी एंड वॉज द एंड चैलेंजेड बॉय द एंड इमोशनल एंड पैसोलॉजी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्ट द आलिया शूट द फिल्म द एंड सीक एंड द सीक्वेंचली एंड द सेवरियल स्कैंस वेयर द एंड इम्प्रोवाइज ऑन सेट द बेस्ड ऑन आलिया भट्ट इन रिएक्शन सी हैज द इंसाइटेड द इन सेवरियल सस्पेक्ट फॉर द एंड करेक्टर द एंड जर्नी इन मैरिड हेयर अ वन इज द वॉज द फर्स्ट टाइम द इन एक्सपीरियंस द स्टूडेंट थेट द एंड डिफरेंट फ्रॉम हेयर अ वन द एंड प्रोवाइडली हिज द एंड रोहनी सचिडुअल एंड द वैरिटी टूक नोट ऑफ हेयर द एंड इन कोकेट फॉर द एंड कमेंटेड हेयर द एंड ब्रीनिंग ऑन द एंड अंडर लाइंग द सदनेस ऑफ द एंड वेस्टफुल इन द एंड फिल्म द अंडर परफॉर्मेंस एंड बॉक्स ऑफिस बट आलिया भट्ट वन द फिल्म फेयर द क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस and also the in gained best actress the nomination at the end ceremony she also the in appeared in the Vikas Bahal short film in woman is the in safety the in tailored the in going in the home Continuing here the collaboration with the Karan Johar company Dharma Production and Alia Bhatt starred in the romantic film to edited the fluid the and producer by the highway and producer Sajid Nadidwala and Hampati Sharma ki Dulhaniya Bhatt 2014 the and former was the and adaptation and the adaptation of the and Chetan Bhagat the and novel of the and same name in the and revolves the and about to the and magnet the a student with the end trouble the end confines there the end parents of the their relationship for here the role as the end head strong the end Tamil girl see the and learn to the speak here in lines in the end language with the help from the end tutor the end Shubhra Gupta of the India Express Indian Express was the end operative Alia Bhatt the end living here the end surprise in the easy and fresh the end natural she played a Punjabi girl who has the end affair before here the wedding in Hampati Sharma ki Dulhaniya which marketed the end debut of the waiter director Shashank Khetan in the end distance first for the studio and starring Varun Dhawan is the end the end titular role of the end Literacy Punjabi boy Rakesh the film was the end described as the end tribute of the Dilwale Dulhaniya Le Jayenge 1995 by the Johar and also the market other in debut television actor the Siddharth Shukla waiting for the India Today Rohit Khilnani and In Thougate, the Alia Bhatt had the imposed in the one of the most performance so for the In Thougate is the Nandini. Nandini Ramnath of the Mind found here the end, licking is the end so tightly and waiting see. Artist see was the end more the end comfortable and action. Action out of the end, feeling the end. Throughout along with the end action Alia Bhatt the film where the end come really successful is the earning over 1 billion and USA convert to the 13 million worldwide the end Anku placing the end throughout 2014 the established the Alia Bhatt successful actress in the Bollywood Alia Bhatt the nominated the with Bahal for the end romantic comedy Shandar movie released in 2015 the film featured the Shahid Kapoor and Alia Bhatt the end in so Minis the who fell in love the end during the end distance and the wedding Kunal Guha of the Mumbai Mirror the end crit in the end criticized the film and worried Alia Bhatt and showcase life into here the character but fell and pump any into his the ensign that did not perform will the comedically she began on to 2016 with the end supporting role in the Assemble drama Kapoor and Son se which was the critical and commercial successful Alia Bhatt next took on the end part of the poor Alia Bhatt the end migrant in Urta Punjab movie 2016 a crime drama about the insubstance of boss from the waiter director Abhishek Chaubey the intense role in market the end diverger from the mostly a light hearted part and she had the played before
इन हेयर करियर विद द एन एक्सप्रेशन ऑफ द हाईवे मूवी एंड द एंड प्रोपोशन दी एंड सी वॉचेड इन डिस्कोमेंट्री ऑन डूरिंग द एन अबाउस एंड लर्निंग टू द स्पेक एंड बाहरी एंड डायलेक्ट द एंड फिल्म generated the encounter voice with the end control board of the central board of the film certification the end demand the end represent the Punjab in the negative light and the intimidate the end extensive the end consortium before is the release the end Bombay Highway Court later and Bombay Highway Court later the end cleared the film for the end exhibition with one scan court Alia Bhatt performance was the critical acclaim Climate Raja Sen of the Reddit.com wrote see the end committee to hear the end account and the end list with the film is most the end also very the end section and is turning during on the end inquiry daily in speech the end elevated the end entire film to the whole other end label Alia Bhatt next the end played the interval Young woman who the end conciliate with the end the entry pad the played boy Shah Rukh Khan Shah Rukh Khan and Gauri Shinde is the coming of age the film and Dear Jindagi 2016 waiting for the end India where the end Anis Zaveri and commented here the end for pro viewing the end millennial the end engaged with the end three the end demonstrate and Uttar Punjab and Dear Jindagi movie and Ganet Alia Bhatt and what does the end attention for the informer she won the end screen award and filmfare award for best actress and for the end letter she received and the additional best actress in nomination for the end filmfare Series of the successful film The End continued with the and Alia Bhatt next project the romantic comedy Badrinath Ki Dulhania 2017 with the end rounded here the with Khaitan and the बता दें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजी फिल्म के बारे में तो फ्रेंड राजी फिल्म कौन सी और आपको कहां पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे तो दोस्तों अगर आप भी राजी फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों बात कर ले राजी मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छी रिस्पॉन्स मिली थी दोस्तों बात कर ले फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में आलिया भट्ट एन पिकी कौशल इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे और वहीं पर बात कर ले फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो फिल्म को मेघना गुलजार सर ने डायरेक्ट किया था और फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है विनीत जैन एंड करण जौहर ने मिलकर साथ ही साथ यश जौहर एंड अपूर्वा मेहता ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए थे और बात कर ले मूवी की बजट के बारे में तो फिल्म को 40 करोड़ के बजट में बनाया गया था और वहीं पर बात कर ली मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 207 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और ये फिल्म साल 2018 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी दोस्तों राजी फिल्म साल 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म में आलिया भट्ट है और सहायक भूमिकाओं में विक्की कौशल अभिनय किए हैं दोस्तों रजीत कपूर के साथ इस फिल्म में श्री शर्मा और जयदीप अहलवा भी नजर आए हैं ये फिल्म हरिंदर सिक्का के 2008 की उपन्यास वाली फिल्म कालिंग सहमत का एक रूपांतरण फिल्म है जो एक भारतीय अनुसंधान और आपको बतला दे विश्लेषण बिंग राग के साथ एजेंट का एक सच्चा खाता है जहाँ पे जिसने अपने पिता के अनुरोध पर भारत को सूचना देने के लिए पाकिस्तान में सैन्य अधिकारियों के परिवार में शादी कर ली है इसके अलावा दोस्तों सन 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध से पहले राजी की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2017 में मुंबई में शुरू हुई थी और 27 अक्टूबर 2017 को पूरी कर ली गई थी इसे पटियाला नाभा के साथ जो है मलेरकोटा के साथ और आपको बता दें दूध पत्थरी सहित कई स्थानों पर शूट किया गया था राजी मूवी 11 मई 2018 को रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में 350 मिलियन लग गए थे फिल्म को बनाने में जो हम यूएसए में कन्वर्ट कर दें तो 4.4 मिलियन के बजट पर इस मूवी को बनाया गया था और राजी मूवी ने दुनिया भर में 1.9 बिलियन से आधे की कमाई किया जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 25 मिलियन की कमाई की थी एक महिला नायक की विशेषता वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में उभरी मेघना ने निर्देशन और भट्ट के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ ये महत्वपूर्ण सफलता वाली फिल्म थी जो 64वें फिल्मफेयर पुरस्कार में राजी फिल्म को 15 नामांकन प्राप्त हुए थे इसके अलावा दोस्तों जहां पे इसने आपको बता दें आलिया भट्ट के एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साहित्य के 5 पुरस्कार जीते
वहीं पे फिल्म को 2014 से जंगली पिक्चर की अध्यक्ष जो है प्रीति सहानी, हरिंदर एस सिक्का के 2008 के उपन्यास वाली कॉलिंग वाली मूवी पे सहमत पर किए गए थे और फिल्म के अधिकार हासिल करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें एक भारतीय महिला गुप्त एजेंट की सच्ची कहानी का विवरण करेंगे जो एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी से शादी कर लेते हैं। साथ ही साथ अनुसंधान और विश्लेषण विंग के साथ जो है रो एजेंट 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले की गई, आपको बता दें, गोपनीय जानकारी के साथ तलवार 2015 के निर्माण के दौरान वह मेघना गुलजार के संपर्क में आई थी और पूछा था कि क्या वहां पे उपन्यास के एक फिल्म जो है रूपांतरण को निर्देशित करने की रुचि है, जहाँ पे मेघना माइगी के साथ, लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें सूचित किया गया था कि फिल्म नहीं बन पाई है, जहाँ पे फरवरी 2016 में उसी उपन्यास को लेकर अनुकूलित करने के लिए एक अन्य निर्माता ने उनसे संपर्क किया और फिर से सहमति हुई वहां पे ये मूवी सोचकर कि एक ही परियोजना को दो बार पेश किया जाना था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजी फिल्म के बारे में। अगर आप राजी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिल्म को लेकर भले ही 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि में सेट की गई थी, लेकिन इस फिल्म में अन्य फिल्मों के विपरीत भी एक्शन दृश्य नहीं थे, क्योंकि कहानी युद्ध की शुरुआत की ओर ले जाती है। इसके अलावा दोस्तों, वास्तविक संघर्ष की मेघना ने अपने परिवार के सदस्यों से युद्ध की कहानियाँ सुनी थी, जिनका अन्य युद्ध जो है समाप्त होने के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने महसूस किया था कि ये भारतीय, और आपको बता दें, इस इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था और फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किए गए थे, क्योंकि कहानी वर्तमान समय में महत्वपूर्ण है। जब पड़ोसी देश के गैर, और आपको बता दें, सौहार्दपूर्ण संबंध रखे गए थे, तो मेघना ने कहा था, मानव तत्व इसे जो है यानी कि कलातीत के साथ बनाते हैं, और पाकिस्तान में मेरे पिता के दोस्तों से मैं जो है समझती हूँ कि लाइनें गजल के साथ काफ़ी अच्छा इनकी कागज पर है और राजनीति के रूप में सामने आई है, लेकिन दिन के अंत में हम अपने कपड़ों को, और आपको बता दें, व्यंजनों के साथ जो यानी कि संस्कृति में सामने आते हैं। इसके अलावा दिसंबर 2016 में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आलिया भट्ट को फिल्म में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी, एक खबर जिसके सामने पुष्टि हुई थी कि अप्रैल 2017 में हुई थी, जहां पे करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन अप्रैल 2017 में जंगली पिक्चर के साथ फिल्म का सह निर्माण करने के लिए बोर्ड पर आया था। विक्की कौशल की कास्टिंग की आधिकारिक तौर पर जून 2017 में घोषणा की गई थी। इसके अलावा राजीव फिल्म की फिल्मांकन के बारे में हम बात कर ले तो प्रक्रिया जुलाई 2017 में शुरू हुई और मुंबई में होने वाला पहला शेड्यूल अगस्त 2017 के माध्यम से पूरा हो गया था। यहाँ पे मूल रूप से राजीव फिल्म का पहला शेड्यूल कश्मीर में आयोजित किया जाना था, लेकिन घाटी में अशांति की स्थिति के कारण निर्माता ने शूटिंग स्थानों को मुंबई में स्थानांतरित करने का फैसला किया, जहाँ सभी डनोड और दृश्यों को फिल्म सिटी के अंदर बनाए गए थे और सेट पर फिल्माया गया था। जहाँ पे फिल्म का दूसरा शेड्यूल पंजाब में हुआ था, जहाँ अगस्त और सितंबर 2017 के दौरान इस फिल्म को शूट कर लिया गया था। अब दोस्तों, 25 अगस्त 2017 को प्रमुख गुरमीत रहीम के साथ, और आपको बता दें, इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ था कि फिल्म के फरियूल लगाया गया था, जहां पे इस मूवी के लिए पंजाब का शेड्यूल पूरा करने के बाद राजी फिल्म की प्रोडक्शन टीम 17 सितंबर 2017 को 10 दिनों के शेड्यूल के लिए कश्मीर पहुंच चुकी थी, जहां पे इस फिल्म के लिए पहलगाम श्रीनगर के शिवपुरा में इस मूवी को शूट किया गया था। वहीं पे धूप पत्थरी में फिल्मांकन किए गए थे और शूटिंग के अंतिम कार्यक्रम पंजाब में होना था, लेकिन आपको बता दें, गुरमीत राह के साथ रहीम सिंह की गिरफ्तारी के कारण हुई थी और वहीं पे अशांति के कारण दिल्ली में पूरा किया गया था, जो 27 अक्टूबर 2017 को फिल्मांकन समाप्त हो गई थी। दोस्तों, अब इसके अलावा जुलाई 2020 के दौरान जनता के गुस्से और आपको बता दें चर्चा के गर्म माहौल के बीच जो है जिसका आपको आरोप लगाया गया था और मेघना ने उनकी अनुमति के बिना फिल्म का शीर्षक बदल दिया और उन्हें निर्देशक का धारा फिल्म का कट नहीं दिखाया गया था जो अनुबंध का हिस्सा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि गुलजार और उनके पिता ने फिल्म में पाकिस्तान समर्थक जो है रूप अपनाए थे और निर्माता जैन और जौहर ने उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया था। दोस्तों, राजी फिल्म के पहले पोस्टर के बारे में हम बात कर ले तो 9 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी और फिल्म के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से जारी किया गया था, जबकि फिल्म का ट्रेलर 10 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था और ये फिल्म 11 मई 2018 को रिलीज हुई थी। राजी फिल्म को सार्वभौमिक जो है आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। फिल्म की समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8.2 से किए गए थे
और औसत रेटिंग के साथ फिल्म को 8 समीक्षा के आधार पर 100 रेटिंग दिए गए हैं। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना, फ्रेंड इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है राजी। तो फ्रेंड ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात कर ले तो फर्स्ट पोस्ट के अन्ना MM वेटिकेट ने फिल्म को दिल को थाम लेने वाली कहा है और दिल दहला देने वाला जासूसी नाटक करार दिया है मूवी को। इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए उन्होंने और इसी के साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग दिए हैं। इसमें कहा गया है कि राजी स्पाई थ्रिलर फिल्म है जो शैली को विस्फोट के बजाय जो है भावनाओं के साथ फिर से लिखे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वस ने आलिया भट्ट के प्रदर्शन के बारे में प्रशंसा की और फिल्म को रेटिंग दिए 4 में से 5 का। और इसके अलावा आपको बता दें ये कहते हुए कि राजी एक जो है समझदारी से लिखी गई और बारीक जो है अभिनय वाली मूवी है जहां पे असाधारण लोगों के समस्या वाली जीवन को करीब देख सकते हैं। यदि आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो अवश्य इस मूवी को देख सकते हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस की शालिनी लंगर ने निर्देशक जो है मेघना गुलजार की प्रशंसा नहीं की क्योंकि राजी फिल्म को भाषावाद का छाती पीटने वाला तमाशा बनाने की अनुमति देते हुए फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि ऐसे समय में जब जो है नफरत होती है तो गुस्सा और आपको बतला दे अपमानहीन जो है मुद्रा राजी जैसी फिल्म बनाने की जरूरत है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा आलिया भट्ट विक्की कौशल स्टारर आपका दिमाग उड़ा देगी क्योंकि फिल्म के बारे में Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने इस फिल्म की सराहना की और फिल्म के अभिनय प्रदर्शन शंकर एहसान के साथ लाया गया था और उनके द्वारा रचित किए गए थे और इसका संगीत छायांकन ए संपादन के साथ साथ और फिल्म को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा कि राजी फिल्म एक दुर्लभ वस्तु वाली मूवी है और यह फिल्म तीव्र दक्षिण के साथ जो है चतुर गहरा वाला उदास और गीतात्मक मूवी है। हार्दिक प्रशंसा की गई थी मूवी के लिए जहां पे और जो है इनकी कमतर किए गए। न्यूज 18 के राजीव मंसद ने फिल्म को 3.5 स्टार की रेटिंग दी और भट्ट को राजी का धड़कता हुआ दिल कहा और कहा यह फिल्म इसलिए भी प्रशंसनीय है क्योंकि ये मूवी एक मापी गई है जहाँ पे ज्यादातर जो है बुद्धिमान थ्रिलर मूवी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमें जोर जोर वाले भूमि संगीत के साथ उत्तेजना सम्मान के साथ जो है चचम खिलाए हैं जहां पे बिना देशभक्ति और सम्मान की गई और धारणाओं पर विचार करने के लिए कहते हैं। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 3.5 स्टार की रेटिंग दी और उन्होंने कहा कि राजी फिल्म एक दिलचस्प थ्रिलर मूवी है, इसे मेघना गुलजार द्वारा शानदार ढंग से सुनाया गया है जो कि परिपक्व और देखने के लिए बनाई गई है। ये एक ऐसी फिल्म है जो राष्ट्रवाद का जश्न मनाते हैं जो धर्म के रंगों से रहती है। इंडिया टुडे की सुहानी सिंह ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए। इसमें कहा गया था कि आलिया भट्ट ने मेघना गुलजार की जासूसी थ्रिलर फिल्म में काफी अच्छे शो को चुरा लिया है। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना, दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट की मूवी राजी फिल्म के बारे में। तो फ्रेंड अगर आप राजी फिल्म को देखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के बारे में और भी अधिक जानने की कोशिश करें तो फर्स्ट भूमि की संगीत या फिर उत्तेजक संवाद ने बॉलीवुड के तरफ से फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और ये कहते हुए कि राजी मेघना गुलजार द्वारा शानदार ढंग से सुनाई गई फिल्म है जहां पे आलिया भट्ट इस फिल्म में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है। दोस्तों एक नकारात्मक समीक्षा में द हिंदू के केनीथ रोसारिया ने टिप्पणी किया है राजी फिल्म के बहुत कुछ यानी कि चल रहे हैं फिर भी आपको बता दें नवीन नतम की भारी कमी है चाहे वह फिल्म की साजिश या फिर देश या फिर भट्ट की रोने की क्षमता हो। NDTV के राजा सेन ने इस फिल्म को दिया है 5 में से 3 स्टार की रेटिंग और जिसमें कहा गया है कि मेघना गुलजार की जासूसी फिल्म पसंद करने के लिए बहुत कुछ रखे गए हैं लेकिन आलिया भट्ट ने राजी फिल्म को गंभीरता से लेना मुश्किल बना दिया क्योंकि Scroll.in की नंदिनी रामनाथ ने फिल्म के बारे में और आलिया भट्ट के बारे में अच्छे सुझाव देते हुए इस मूवी की एक चमक कहानी बतलाई है। राजी मूवी 2018 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी थी। वर्ष मनु रिटर्न के बाद ये भारत में एक महिला प्रधान धारा संचालित की गई 100 करोड़ से आधे की कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई। फिल्म ने भारत में 158 करोड़ से आधे की कमाई की और बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म को पीछे छोड़ते हुए आलिया भट्ट के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। राजी मूवी ने दुनिया भर में कुल 2.7 बिलियन से अधिक की कमाई किया जो यूएसए में कन्वर्ट कर दी तो 26 मिलियन से अधिक की कमाई किया। यहाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं राजी मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी राजी फिल्म की कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पर
किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये तो आप लोग को पता है। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ चलिए फ्रेंड अब यहाँ से बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों फिल्म में बतलाई गई कहानी भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल निखिल बख्शी के साथ स्टार्ट होता है, जो IAS के साथ जो है विराट पर सवार भारतीय सैनिकों के एक समूह को संबोधित करते हुए पाकिस्तान में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ अंडरकवर एजेंट के रूप में सेवा करते हुए एक महिला के कारनामों का विवरण देते हैं। कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले की घटनाओं पर वापस आती है, क्योंकि हिदायत खान एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एजेंट है जो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ भारत सरकार के लिए एक मुखबिर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो अपनी 20 वर्षीय बेटी सहमत को एजेंट बनाना चाहते हैं और आपको बता दें फेफड़ों के कैंसर से अपनी अशरण मृत्यु से पहले देश की सेवा में रहने की विपरीत जो है परंपरा को जारी रखना चाहते हैं। सहमत इच्छुक है कि इसीलिए उसे वरिष्ठ रॉ के साथ अधिकारी मीरा मानो और चौधरी के साथ उसके सहायक एक युवा बख्शी धरप प्रशिक्षित किया जाता है। खान ने पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर परवेज सैयद के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करते हुए सहमत को अपने छोटे बेटे इकबाल सैयद के शादी करने के लिए इस्तेमाल किया, जो एक अन्य सैन्य अधिकारी था। और पाकिस्तान में प्रवेश के बाद जो है सहमत अपने विवाह के साथ जीवन में बस जाती है, एक नए देश में आपको बतला दें समयोजित हो जाती है और अपने जो है ससुराल वाले का विश्वास स्थापित कर लेती है। ब्रिगेडियर सैयद को मेजर जनरल के रूप में पदोन्नत किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण के साथ जो है दस्तावेज और देश के रक्षा बलों के सदस्य के साथ उसके घर में जरूरत के साथ गुजरते हैं। सहमत भारत में अपने संचालन के साथ जो है संचार चैनल स्थापित करना चाहते हैं और ये सूचनाओं को प्रसारित करना शुरू कर देते हैं कि इसी बीच इसे एक बाल से प्यार हो जाता है और वो अपनी शादी को पूरा कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम राजीव फिल्म की कहानी को बता रहे हैं। अगर आप राजीव फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। इसके बाद जो है सहमत भारत के खिलाफ एक आक्रमण की योजना से संबंधित जानकारी को देखते हैं और इसे पारित करने में सक्षम हो जाते हैं। नौकरों में से एक अब्दुल सब के बारे में सच्चाई का पता लगाता है और सहमत उसे अपने कवर को उजागर करने से बचने के लिए एक कार के साथ नीचे चला जाता है। घटना उस पर भारी जो है भावनात्मक टोल लेते हैं। यहाँ पे सूचना भारतीय विमानवाहक के साथ जो है पोर्ट INS के साथ विक्रांत पर सुनी योजित हमले की ओर इशारा करती है। इसे तब बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया था, जहाँ पे इकबाल के बड़े सैन्य अधिकारी भाई महबूब सैयद को शक होने पर सहमत ने अनिच्छा से उसे मार डाला था। हुआ महबूब की पत्नी जो है मुन्नीरा के विधवा होने से व्याकुल है और उसे पुलिस पूछताछ से बचाती है। अंत तक उसे इकबाल धारा एक जासूस के रूप में खोजा गया, जो रहस्य उद्घाटन से दुखी हो जाती है और उसका सामना कर लेते हैं, जहां पे लेकिन एक जो है ग्रेनेड से मर जाती है। मीर की टीम के एक सदस्य ने सहमत को मारने के लिए ग्रेनेड फेंका था और उसे जो है पकड़ा जाना चाहिए। सहमत जिंदा बच जाता है, जिससे महिला इकबाल का सामना करना पड़ा और वहां पे वास्तव में एक अन्य जो है बुरका पहने एजेंट थी, जिसने जो है सहमत के साथ स्थान बदल लिया और इकबाल के साथ जो है ग्रेनेड से भाग जाता है और अपने जो है पति की मौत से यानी कि स्तब्ध हो जाती है। और इसी तथ्य से कि मीर उसे मारने के लिए तैयार था और सहमत को इस काम की लड़ाई में लाइन में रिश्तों और आपको बदला दें मानवता के महत्व का एहसास हो जाता है। अपने हाथ से एक परिवार के विनाश से टूटकर वह भारत लौट आती है और पता चलता है कि वह इकबाल के बच्चे के साथ जो है गर्भवती है। वह बच्चों को रखने का फैसला करती है। सहमत के निष्कर्षों के साथ जो है INS के साथ राजपूत विशाखा पतन के तप के साथ पाकिस्तानी और आपको बता दें पनडुब्बी PNS के साथ जो है गाजी को डुबा देते हैं। अधिकारियों के बीच सहमत के बेटे समर खान के साथ निखिल बख्शी ने अपना जो है भाषण समाप्त किया और इसी बीच एक वृद्ध यानी सहमत अपनी कुर्सी पर बैठे और अपने घर की खिड़की से बीच में घूरते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। फ्रेंड इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजीव फिल्म के बारे में। तो ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा।
राज्य में हुई वॉज द रिलीज ऑन 11 मई 2018, मेड ऑन द बजट 350 मिलियन एंड यूएसए कन्वर्ट टू द 4.4 मिलियन। राज्य वेंट टू बी ग्रोस 1.96 बिलियन एंड यूएसए कन्वर्ट 25 मिलियन वर्ल्ड वाइड एंड द इमेजेट इज द वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म इन द इंडियन फ्यूचर फीमेल एंड वॉज द ऑल्सो क्रिटिक्स एंड सक्सेस विद द एन मेघना डायरेक्शन एंड द भट परफॉर्मेंस इन द रिसीव्ड द एंड प्राइज। राजी रिसीव द 15 नॉमिनेशन एट द बेस्ट अवार्ड फॉर द फीमेल एक्टर्स। द इंडियन आर्मी ऑफिसर द एंड लेफ्टिनेंट जनरल निखिल बख्शी एड्रेस अ ग्रुप ऑफ द इंडियन एंड सोल्जर द एंड अबाउट द INS द एंड ब्रॉड द डिटेल एंड वुमेन द एक्सप्लोरी विल बी इन सिविंग एंड द एंड अंडरकवर एजेंट ऑफ द एंड रिसर्च एंड एनालिसिस वांग द एंड इंडियन एक्सटर्नल द एंड इंटेलिजेंट एजेंसी इन पाकिस्तान। द स्टोरी ऑफ द फ्लैशबैक टू बी इवेंट द एंड प्रोसीडिंग टू बी इंडियन एंड पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 एंड द हिदायत खान इन इंडियन द इन फ्रीडम फैक्टर एंड अजेंट द पश्चिम परफॉर्मेंस फॉर द इंडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही द एन विशिट टू ही मेक हिज 20 ईयर्स ओल्ड द एंड डॉटर सहमत एंड अजेंट ऑफ द एन कंटिन्यू द फैमिली एंड ट्रेडिशन ऑफ द बिगिन ऑफ द सर्विस टू बी एन कंट्री बिफोर हिज द एन इम्परेटिंग डेट फ्रॉम द एंड लॉन्ग कैंसर द एन सहम। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत हम बात कर लेते हैं राजी मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, राजी फिल्म 11 मई 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था क्योंकि दोस्तों फिल्म की कहानी काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया। दोस्तों, वहीं पे बात कर ले इस मूवी की बजट के बारे में, 350 मिलियन के बजट पे इस फिल्म को बनाया गया था। और बात कर ले इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने दुनिया भर में 196 बिलियन से अधिक की कमाई किया था और ये फिल्म साल की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोस्तों, इन पैसों को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 25 मिलियन की कमाई की और एक महिला नायक की विशेषता वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक के रूप में उभरी। इसी के साथ बता दें दोस्तों, ये फिल्म मेघना के निर्देशन और आलिया भट्ट के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ ये फिल्म एक महत्वपूर्ण सफलता मूवी थी, जो 64वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में राजी फिल्म को 15 नामांकन प्राप्त हुए थे, जहां इसने आलिया भट्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के सहित 5 पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा बता दें दोस्तों, दिसंबर 2016 में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आलिया भट्ट को फिल्म में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी, एक खबर जिसकी पुष्टि अप्रैल 2017 में हुई थी। करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन अप्रैल 2017 में जंगली पिक्चर के साथ फिल्म का सह निर्माण करने के लिए बोर्ड पर आया था। विक्की कौशल की कास्टिंग की आधिकारिक तौर पर जून 2017 में घोषणा की गई थी कि राजीव फिल्म की जो है फिल्मांकन प्रक्रिया जुलाई 2017 में शुरू हुई और मुंबई में होने वाला पहला शेड्यूल अगस्त 2017 के मध्यम तक पूरा हो गया था। मूल रूप से राजीव फिल्म का पहला शेड्यूल कश्मीर में आयोजित किया गया था, लेकिन घाटी में अशांति की स्थिति के कारण निर्माता ने शूटिंग स्थान को मुंबई स्थानांतरित करने का फैसला किया, जहाँ सभी इंडोर इस मूवी के शूट कई इंडोर दृश्यों को फिल्म सिटी अंदर बनाए गए थे और सेट पर फिल्माया गया था। बताया दोस्तों, फिल्म का दूसरा शेड्यूल पंजाब में शुरू हुआ, जहां अगस्त और सितंबर 2017 के दौरान पटियाला और मलेरकोटा में इस फिल्म के फिल्मांकन शुरू किए गए थे और वहां पे शूट किया गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है राजीव फिल्म को, इस मूवी से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बतलाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।